परसे नाही सब खत ब्रह्म निवासा, सब खत ब्रह्म निवासा, जो नर दुख है दुख नहीं माने, जो नर दुख है दुख नहीं माने। Don't pray, but praise God. समझो कहीं pray था कर, pray था करो। तुम pray करते हो भगवान को, भगवान ऐसा करना ऐसा नहीं करना, भगवान मेरे बेटे को पास। तभी तो उसने रोया, हजार वाली वाह गुरु वाह गुरु पढ़ा। जब दुख आया तो फिर हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु, और सुख आया तो वाह गुरु वाह गुरु। तो मन से भी कैसा हुआ हम, मन से सच्चा वो है जो टाइम पर आउट न हो जाए। ये ज्ञान भी इसके लिए है भाई, जब अपोजिशन आवे, कोई दुख आवे, कोई हालत आवे, कोई शब्द आवे सामने, कोई बात आवे, उसी टाइम हम आउट न हो जाए। क्रोध का कारण सामने आया तो क्रोध कर दिया, लोभ का सामने आया तो लोभ कर दिया, इच्छा का सामने कोई पदार्थ आया तो हमने इच्छा कर दिया, टाइम पर अहंकार कर दिया, कुछ भी कर दिया हमने। तो मंच भी कैसा हुआ, मंच का मतलब है मन का ईश्वर, नहीं कि मन का गुलाम। ठीक है, हम मानते हैं पीस ऑफ माइंड और करते हैं अशांति का काम, चाहते हैं शांति और जाते हैं अशांति के रास्ते। हम उत्तर जन है तो जाते हैं दक्षिण, तो उत्तर वाला कभी आएगा। ऐसी तरह से हम चाहता शांति है, सब को पूछो भाई तुमको क्या चाहिए, भगवान ना तुम्हारे पास आए तो तुम क्या मांगेगा, तुम बोलेगा पीस ऑफ माइंड। भाई हमको भाई शांति चाहिए, लेकिन तुम्हारा कर्म सब अशांति का, ख्याल अशांति का, सोचने का ढंग अशांति का, रॉन्ग थिंकिंग। जो भी तुम सोचते है सारा दिन रॉन्ग ही सोचता, क्योंकि मन जो है ना वो अपोजिट है तुम्हारे, बोलेगा ऐसा हो जाएगा तुम्हारे से नुकसान हो जाएगा, पास्ट की चिंता, फ्यूचर की चिंता, प्रेजेंट में भी दुखी करेगा तुमको, सारा दिन तुमको दुखी करेगा, ऐसा होएगा ऐसा होएगा। तुम मन को इन्विटेशन कार्ड भेजते हो, बुलाते है तो मतलब मन आ जाता है ना, ख्याल आ जाता है ना, मैं क्या करूँ, ख्याल आ जाता है।
और अगर ख्याल को हटती है तो हमको नहीं आता है, तुमको क्यों आता है? एक मंच को नहीं आता है, एक मंच को आता है क्यों? What one man has done, man can always do. जो एक मंच कर सका है, अगर मन को वश कर सका है तो तुम भी कर सकता है। हमारे जो भी संत साधु जो भी हमारे अवतार आए उसी ने आके ये विद्या सिखाई, भाई कैसे मन को वश करो। वरना मन को वश कर सकते है ना, भगवान भी गीता में बोलता है अर्जुन को, अर्जुन तुम मन को वश कर सकता है, क्योंकि शरीर से ऊपर इंद्रियां है, इंद्रियां से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर तुम्हारी आत्मा है। तो तू आत्मा है, तू अपनी शक्ति में खड़ा रहो। तो देखो मन कैसे आएगा, मन जो भी ख्याल लेके आता है वो एग्जैजरेशन बदभाव खाली बदभाव लेके आएगा, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, होएगा कुछ नहीं। अभी तक जो भी 10 साल पहले 20 साल पहले जो तुमने सोचा है वो हुआ था, ऐसा हुआ? जो भी तुमने सोचा था ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, डर चक्कर चुपा गलत फहमियां रखी कुछ भी रखा, ऐसा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सब अच्छा ही हुआ। जब अच्छा ही होता है सब तो अभी भी अच्छा ही होगा, कौन सा डर है? बात इस बात का डर है, वाय फियर व्हेन गॉड इज नियर। जब भगवान हमारे नजदीक है, श्याम का छा परमात्मा हमारा पिता रक्षक, हमारा सखा हमारा बंधु हमारा दोस्त हमारा प्रीतम, सब कुछ भगवान जो है वो हमारे नजदीक में नजदीक है, हमारे से भी नजदीक है। मारने वाला तो बाहर से आएगा, चोर समझो बाहर से आएगा, बचाने वाला अंदर बैठा है, पहले से ही बैठा है। तुम बचाने वाले को नहीं देखेगा, डरेगा, ये न आता है मारने देने मेरे को, ऐसा न हो जाए, नुकसान न हो जाए, ये न हो जाए। अरे भगवान ने जैसा रचा होगा खेल तैसा ही होगा, हम खेल में इंटरफियर नहीं करें। जैसे तुम सिनेमा देखने जाते हैं ना, तो तुम इंटरफियर करेगा तो क्या होगा? सिनेमा तो पहले ही रच चुकी है, खेल तो पहले ही रच गया है, अभी खाली तुमको देखने का। ऐसी तरह से तुम्हारी प्राण बुद्ध का खेल रच चुका है। गॉड हैज अ प्लान फॉर यू, हु कैन बी अगेंस्ट यू? भगवान ने तुम्हारे लिए पहले ही प्लान जो है प्राण बुद्ध बना के रखी है, अभी कोई अगेंस्ट नहीं हो सकता है तुम्हारे, सब ठीक ही ठीक होएगा, अच्छा ही हुआ है अच्छा ही होएगा। जो कुछ तुम्हारे लिए अच्छाई हुई है भलाई हुई है वो किसको नहीं सुनाई है, और जो दुख आया वो सबको सुनाया। आज से तुम अच्छाई सबको सुनाना, जो सुख मिला है तुमको वो सबको सुनाना, दुख किसको नहीं सुनाना। दुख का लिए एक डॉक्टर को छिपा के सुना क्या, शरीर का डॉक्टर जो उसको सुनाना, और मन का दुख जो है वो खाली गुरु को छुपा के सुना के जाना। बाकी सारी दुनिया को बताओ मैं कितना दुखी हूँ, मेरे को सब कुछ मिला है, क्या नहीं मिला है, क्या नहीं है भगवान ने क्या नहीं दिया है। जलेबी का दुकान खोलता सारा दिन बंद, घर में सो जाता है, ये खाए पिए घूमे फिरे। एक दिन दादा ने पूछा इतनी जलेबी अच्छी है तुम्हारी, दो घंटे में इतना कमाता है तुम, अगर तुम शाम को 6 बजे तक जलेबी का दुकान खोलो तो कितना न कमाओ। बोला नहीं, सारे शहर को पता है तो ये जलेबी 2 घंटे में मिलेगी, तो सब उसी 2 घंटे में आ जाते हैं। बड़े में बड़ा ग्राहक जाती में जाती ग्राहक हमारे को 2 घंटे में मिल जाता है, हमारी प्राण बुद्ध मिल जाती है, हम काहे के लिए 6 बजे तक टीके और मरे काहे के लिए बैठे, मेहनत करे। हम जाके घर में सो जाते हैं, बच्चे के साथ घूमते हैं फिरते हैं, इधर गया उधर गया मौज किया, 2 घंटे में हमारी प्राण को दम को मिल जाती है, क्योंकि सबको पता है ये दुकान 8 से 10 बजे तक खुला है, 10 के बाद नहीं खुलेगा, तो जिसको जरूरत है वो आएगा, भगवान आप ही उसको लेके आता है। वैसा ही आप सारा दिन सुन जाते तो उसको प्राण रूप पर जिसको विश्वास है तो वो तो टंक के टांग ऊपर चढ़ा के बैठा है। ऐसा क्या भाई, हमारी प्राण तो बनी पड़ी है, हमारे बच्चे की भी बनी पड़ी है, सबकी बनी पड़ी है, जो जिंदा है जो इस दुनिया में जिंदा है, जब तक श्वास है तब तक ग्रास है, जिसका श्वास चल रहा है उसको ग्रास आज मिलेगा, ये परमात्मा ने अपने ऊपर अपने लिखा है, लिख के गया बोल के भी गया। ओ फूल नो इट नॉट दो दैट गॉड हीज द वर्ल्ड, सारी दुनिया को परमात्मा खिलाने वाला है
ऐसा उसने अंजाम किया है कि मैं सारी दुनिया को खिला के पिछाड़ी को मैं खाऊं। जल में जीव उपाया तो शेर को, बगड़ को, हाथी को, मण और चीटी को कहा, सबको भगवान ने दे दिया। तो हम क्यों चिंता करें, बाकी किसकी चिंता करें? क्यों अपनी अपनी चिंता करें? अभी हमारे को ये पुरुषार्थ करके अपना उद्धार कर देगा, बाकी प्रारंभ सबकी बनी पड़ी है। तुम चाहे करोड़ रुपए छोड़ के जाएगा, तुम्हारे बच्चे को नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, मिलना होगा तो तुम छोड़ के भी नहीं जाएगा, बस तुम मरेगा तो करोड़पति हो जाएगा। सब भाई मेरे बाप को तो पाई भी नहीं थी, ये सब करोड़ हमने बनाया है। बेटा बोलता कोई बोला क्रम बाप दो करोड़ छोड़ के गया, लेकिन ये खा गया वो खाया, हमको कुछ नहीं मिला। सब प्रारंभ बनी पड़ी। तो इसके लिए ज्ञानी कभी भी चिंता नहीं करता है, तो हम खाऊंगा कहाँ से, दूसरा खाके खाएगा, मेरे मरने के बाद क्या होगा, मेरे जीने के लिए क्या होगा, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा। सब कुछ भगवान के ऊपर रख के, प्राण बुद्ध के ऊपर विश्वास रख के, माया से कम चिंताओं से खाली हो जाता है। योग और खेम का बोझ से अर्जुन मैंने तुम्हारा उठा दिया। योग माना जो तुमको चाहिए और खेम माना तुम्हारी सलामती, ये सब मेरे ऊपर है। भगवान ने बोले अर्जुन, क्योंकि तुमने मेरी शरण लिया है, वैसे भी सबकी जो है वो योग खेम परमात्मा के ऊपर है, लेकिन खास जो भगत विश्वासी है उसको तो देखने में आता है तो जैसे मेरा योग खेम परमात्मा ने उठा है, उसको देखने में आता है, और अज्ञानी को देखने में नहीं आता। अज्ञानी बोलता नहीं, मैं अपना योग खेम खुद ही उठाता हूँ, मैं ऐसी संभाल करता हूँ जो सलामती बनी रहे, मैं ऐसा करता हूँ जैसे मेरे को योग और खेम अच्छी तरह से मेरा, मैं ही संभालता हूँ अपना योग खेम। ये अहंकार है, लेकिन जो सच्चा भगत है वो भगवान के ऊपर रखता है, तो वही तो मेरा योग खेम संभाल रहा है। अरे मेरी सलामती कौन कर रहा है? रात को तुम सोया तो तुमको जीता उठा, सारी रात किसने पैरा दिया, प्राणों की रक्षा किसने किया? जब प्राणों की रक्षा भगवान करने वाला है तो दूसरा सब संभालने वाला कौन है? सारी दुनिया कौन संभालता है? जो भाई तुम्हारा घर बच्चा कौन संभालेगा? तुमको अपना विश्वास होना चाहिए। विश्वास करा मत की भी करा मत, जिसको विश्वास है, जिसको श्रद्धा है, तो एक एक कदम में करामत देखता है परमात्मा की। अरे देखो कैसा हो गया, मेरे को तो इतना कुछ नहीं था, भगवान ने कैसा ये कर दिया। हर वक्त बोलता है, अगर मैं अभी नौकरी जाके करो, तुम सब जो इधर बैठे वन टूल नौकरी जाके करो कितना मिलेगा इसकी उम्र में, और जो जो तुम्हारे को समझ आए कितना मिलेगा? हजार रूपए इतना चल मिलन तो, लेकिन आपको भगवान कितना दे रहा है? ऐसा है कि आप भाई अपने होशियारी से कमा रहे हैं, या तुम्हारे को बहुत अक्ल आ गया तभी कमा रहे हैं? ये सब प्राणभूत है तुम्हारे, आप ही तुम्हारी प्राणभूत मिल रही है। अभी तुम अभी नौकरी करेगा तो 15-20 दिन रुपया एक दिन में भी नहीं कमा सकता, क्या जाके करेगा? कौन सी नौकरी करेगा तुम्हारे से पूछेगी इसी उम्र में? क्या क्या उतारेगा, क्या क्या चलाएगा, क्या करेगा? कितना पढ़ा लिखा है, कितनी अंग्रेजी आती है, क्या आता है तुम, कितनी डिग्री पास किया है तुमने, लेकिन जो जितना भी लाख करोड़ भी है कि कितना भी हजार है उसके तुम लायक था जो मिला है, तुम जो समझा मैं बहुत लायक हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, तभी मैं भाई आज ऐसा हो गया हूँ चौका, लेकिन चौका तुमको किसने किया? तुम्हारे अकुल में, तुम्हारी होशियारी में, तुम्हारी कहा जो तुम्हारी प्रारंभ है वो तुमको मिलेगी, थोड़ी मिले या जाती मिले, पर तुम 3 महीना खाएगा और 6 फुट जमीन भी मिलेगी। जो तुम्हारा ये योग थे मैं वो भी परमात्मा ने उठाया, बाकी काहे की चिंता? बाकी तुमको परमात्मा के लिए इधर को शरण करके अपना उद्धार करने, अध्यात्मक उन्नति करने की है। माया की प्रोग्रेस नहीं, वो तो आप ही होगी। तुम कुछ नहीं भी बनाएगा, तुम्हारा बेटा बेटी आप ही बनाएगा, बोलेगा मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, जाके सारे सारे करके आए। ज्ञान ऐसा पैसा है जैसे मेरा कोई एक पैसा भी नहीं, जिसको करना है, जिसको मरना है, जिसको जो है वो बनाना है जाके बना, वो तो ऐसा बैठेगा जैसे दृष्टा साखी होके खेल बैठ के देखेगा। तो पैसा तो आता है लेकिन कहाँ कहाँ जाता है? तुमने तो कमाया, तुमने समझा मैं बच्चे के लिए कमा के रखता हूँ, कोई डॉक्टर के लिए जाता है, कोई वकील के लिए जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई झगड़ा करके लेके जाता है, कोई नुकसान पड़ जाता है, कोई तुम्हारा ये खा जाता है, कोई कैसा हो जाता है,
वैसा तो ऐसा ही हो जाता, तो सीधे तुमको सुख शांति कौन सी है। तो अपने सुख शांति के लिए, अपने उद्धार के लिए तुमको ये ब्रह्म ज्ञान ही चाहिए, बस ज्ञान चाहिए। ज्ञान से सच्ची समझ से तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारी शांति आएगी मन, बाकी कहां से भी तुमको शांति आने वाली नहीं है। दुनिया में जब तक रहेगा जीव भाव में रहेगा, दुखी होके मरेगा। आत्म भाव में रहो तो ये सब सपना है, सब नाटक है, सब खेल है। पैसा मिले नहीं मिले, मैं साहूकार हूँ या गरीब हूँ, आज सब चला जाए पैसा, झुपड़ी में बैठ जाऊं तो भी बहुत अच्छा बैठूंगा। आज ही मेला चला जाए तुमको झुपड़ी मिल जाए तो तुमको क्या करना है, झुपड़ी में क्या करता है, मेला में क्या बैठ सकता है। एयर कंडीशन है, गजेला है, टन पै ये है, पेन है, फलाना है, ये है, वो नहीं मिलेगा। और भी अच्छा ही है, शरीर सब बात पड़ जाएगा, आदत ही बन जाएगा। लेकिन आदमी रोता है सुख देख के, जब दुख देता है तो देखता है तो रोता है। कुछ भी तुमने पास में देखा है तो तुम रोएगा, सुख देखा है तो भी रोएगा, आज दुख देखा है तो भी रोएगा, पास को याद करेगा रोएगा। पर लिव फॉर टुडे, आज का दिन खाली तुम दुनिया में है तो तुमको क्या नहीं है, कल की चिंता क्या थी, आज के दिन के लिए तुम्हारे पास है कि नहीं है। तो किसी को अगर ऐसा शंका हुई तो एक भगवान के भगत के पास गया, तो भगवान का भगत जो था वो माँ और लड़की रहती थी, तो मम्मी गई थी बाजार में, लड़की अंदर बैठी थी। तो जिसको शंका आई भगवान भाई सबको कैसे खिलाता है, भगवान अपने भगत को क्या करता है, गरीब क्यों रखता है, ऐसा क्यों करता है, तो लड़की अंदर बैठी थी उसने बोला, भगवान ने उसी को आदमी को बोला, तुम ये गेहूं का ये बोरी हो उसको देख क्या गया देने के लिए। तो लड़की ने बोला मैं बैर नहीं आऊंगी भाई, क्यों, क्योंकि मेरी मम्मी गई है बैर, हमारे को एक ही कपड़ा है, या वो पहन के जाती है या मैं पहन के जाता हूँ भाई, ये तो इतना गरीब है कपड़ा ही पहनने के लिए नहीं है। बोला अच्छा भगवान ने ये बोरी दिया, मैं बैर छोड़ के जाता हूँ। बोला नहीं मेरी मम्मी आ गए, मैं उससे पूछूंगी, पीछे तुम लेके जाना। मम्मी आई, मम्मी से लड़की ने पूछा भाई ये भगवान ने आटा ये गेहूं का ये जो बोरी दे दिया, तो मम्मी ने लड़की से पूछा आज के दिन के लिए आता है। बोला हाँ आज दिन थोड़ा थोड़ा है। बोला विश्वास हो गया, बोला इतना गरीब आदमी हो के दी बोलता है आज के लिए है, कल की चिंता हम नहीं करता है, लेके जाओ वापस भगवान को जाके दियो। तो उसको विश्वास आ गया, भगवान को जाके चरणों में पड़ा, अरे मेरे पास तो फिर भी है, थोड़ा कम से जाती होता है तो मैं दुखी होता हूँ, इसके पास तो खाली आज का आता है तो भी कुछ बैठा है, कल की चिंता कौन करे, कल ना मैं काल का तुम्हारो नेवर कम। तो तुम कितने सालों की चिंता करते, क्या नहीं है तुम्हारे पास, कितना नहीं है तुम्हारे पास, तो भी बोलता है ये थोड़ा है, अभी ये भी थोड़ा है, ये भी थोड़ा है। अज्ञानी को हमेशा छेद रहता है अंदर में, और ऐसा खोट महसूस होती है कि मेरे को कुछ खोट है। और ज्ञानी जो है वो आत्मा में है, तो आत्मा का स्वभाव है तिरुपति वाला, जीव भाव का स्वभाव है कोट वाला। तुम जीव भाव में होगा, कितना भी मिलेगा, क्या भी मिलेगा, जो मिला है वो जीरो हो जाएगा तुम्हारे लिए। जिंग बोलता है तो नहीं थोड़ा मिला है, अभी थोड़ा मिला है, अभी ये चाहिए, बाकी ये चाहिए, बाकी ना ऐसा होगा पीछे मैं खुश होगा, अरे बाकी तुम्हारी पूरी होगी तो भी कुछ नहीं होगा, जो आज कुछ नहीं है वो कल सारी राजा ही मिलने से, सब कुछ मिलने से, मुंह मांगा मौत मिलने से भी कुछ नहीं होगा। जो आज का दिन कुछ नहीं है अपनी प्रारब्ध में, अपने स्वभाव में, अपने जो भी हालत आज आई है हमारे सामने, जो भी हमारे को भगवान ने रखा है, जैसे भी रखा है, आज हम कुछ नहीं है, कल कुछ नहीं है, चाहे करोड़ रुपए तुमको मिल जाए, क्या राजा ही मिल जाए, क्या सुख मिल जाए, जो भी तुम मांगो वो मिल जाए, तो भी कल तुम खुश होने वाला नहीं है, जो आज खुश नहीं है। ज्ञानी माना जो आज और अब भी खुश होके दिखाए कि अब भी मैं जिस हालत में हूँ बहुत ही खुश हूँ, वाह गुरु वाह वाह, जो नहीं करता है अब भी करता है, आया है और कल करेगा वाह वाह, जो आज कुछ नहीं है वो कल कुछ नहीं होगा। इसके लिए जिस हालत में, जिस स्वभाव में, जिस बात में तुम आज राह पर है, जो तुम्हारा भाग और नसीब है, हर को खुश रहे पहले वक्त भाग में, आज का दिन तुम अपने स्वभाव में, अपने भाग में, नसीब में खुश रह के दिखाओ, तभी भगवान तुमको खुश करेगा सुबह कल।
नहीं तो भगवान तुम्हारे को कभी नहीं खुश करेगा। उसको पता है तो ये खुश होने वाला ही नहीं है। जो इतना दिया है, जितना मिला है, तो उसी में ही खुश नहीं है। तो दूसरा क्या इसको दूंगी खुश होगा? जितना मिला है पहले उसकी मेहरबानी माना, शुक्राना माने, खुश होके दिखाया। तो हम लायक भी नहीं था तो भी इतना दिया भगवान ने। जैसे तुम 200 रुपया अभी कमाएगा ना तो भी तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। 200 के भी लायक तुम नहीं है अभी, तो भी तुमको इतना मिला है तो भी शुक्राना नहीं है, रोते ही रहते। तो तुम लायक था क्या? जो अपने को समझता है तो मैं बहुत लायक हूँ, इसके लिए भगवान ने मेरे को दिया। अरे भगवान ने जाती मेहर करके दिया तुमको, हमेशा सबके ऊपर मेहर है, दया है। तुमने किया भी कुछ नहीं है तो भी तुमको सब कुछ किया। तुम दर्दरी थे, दुखी थे, पापी थे, कितना कितना तुम्हारे में विकार था, तो भी गुरु ने भी तुमको शरण में रखा है और भगवान ने भी तुमको फिर सब सुख दिया है। चाहे कितना भी तुम्हारा विकार था तो भी तुम्हारा सुख नहीं छीना, क्योंकि तुमने कुछ किया है तो वो तुमको मिला है। लेकिन अब भी गुरु के पास तुम कैसा भी आया, नालायक आया गया, बदमाश आया, कैसा भी आया, तो भी गुरु ने तुमको शरण में रखा। कैसा भी तुम्हारा स्वभाव था, नीच था, तो भी तुमको शरण में इधर रखा, तो भी उसका शुक्राना मांगा। कल इस दरवाजे में अंदर आया तो भी शुक्राना मांगा। जिसने तुमको शरण में रखा है, अपने बंगले में रखा है, तो भी शुक्राना मांगा। तुम्हारी इज्जत करता है, तुम्हारे से पूछता है, मन की बात पूछता है, सब बात की पूछता है, तुम्हारे क्या खाया, तुम्हारी तंदुरुस्ती कैसे है, तुम कैसे चलते हैं, तुम्हारा मन क्या है, तुम्हारे घर वाले कैसे चलते हैं, तुम्हारे को कोई दुख सुख तो नहीं है, कोई उलझन तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है। फ्री गुरु किसको मिल जाए, भगवान मिल जाए फ्री, जो एक ऐसा एक से एक बैठ के बात करे। ऐसा कोई दुनिया में है गुरु गुसाई उस दुनिया में तुम्हारा मित्र है, बांधा है, जो तुम्हारे बातचीत करे। इतनी खुशी होती है जब सच्चा गुरु मिलता है, तो हमारा बोझ उतर गया। बर्डन बेयरर, बर्डन बेयरर, अभी जाके भगवान जाके बोझ उतारे, बोझ मेरा जाके सहन करे, शेयर करे, सब वो ही करता है। तुमको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, बाल भी बांका कर न सके जो जग बैरी हो। आता नहीं है, ऐसा करता है, वैसा करता है, दुनिया में बहुत निंदा होती है, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। अरे तुम सच को छोड़ के भी झूठ में जाएगा, क्योंकि लोक का रीत और दुनिया की जो निंदा और प्रशंसा है उसमें उसके शब्दों में तुम नाचते हो। भाई दुनिया मेरे को क्या कहेगी, ऐसा न कहे, ऐसा न कहे, तो तुमको सारा दिन दुनिया का डर है। भगवान का डर इतना नहीं है जितना दुनिया का डर है। बोले ज्ञानी प्रशंसा और निंदा में एक ही रहता है, उसको कोई परवाह नहीं रहती है कि मेरी कोई निंदा करता है कि प्रशंसा करता है, क्योंकि वो तो है निष्काम, वो तो सबके लिए जीता है, वो तो भगवान का हो गया है, खुद भगवान है। तो खुद कृष्ण भगवान की भी कोई निंदा करता था, कोई प्रशंसा करता था। कैसा भी अवतार आता है, सम रिसीव मी और सम रिजेक्ट मी। कोई तो मेरे को बहुत रिसीव करता है, भली करके आया, भगवान तुम आया अवतार धार के, हमारे लिए आया है, हमारा उद्धार करने के लिए आया है। कोई बोलता है आया क्यों है, ये बड़ा खराब आदमी है, ये हमारी औरत को बिगाड़ेगा, ये सब इसी को जो है वो निरीक्षा बनाएगा, निर्भय बनाएगा, ऐसा करेगा। तो कई आदमी तो गाली देता है कि अवतार आया भी क्यों है, क्योंकि उल्लू पक्षी आंख बंद करके अंधेरे में बैठा था, अभी उसको आंख मिल गई है, सूरज निकला है, तो बेचारा दुखी होता है। इसी प्रकार जब भी सच्चा अवतार आता है तो सारी दुनिया दुखी होती है, कोई कोई खुश होता है, बाकी सारी दुनिया निंदा करके उसका पाप कर्म लेके जाती है, जो प्रशंसा करता है उसका पुण्य कर्म लेके जाता है और तुम मुक्त हो जाता है। इसके लिए ज्ञानी को कभी भी ये दुख नहीं है तो कोई निंदा करता है, या खुशी नहीं है कोई प्रशंसा करता है। जब भी तुम प्रशंसा भी करेगा तो हंसेगा तुम्हारे ऊपर, ये बेवकूफ हमारी प्रशंसा कर रहा है, अपने को नहीं जानता है कि मैं भगवान हूँ, हमारी प्रशंसा करता है। भगवान तुम क्या नहीं है, तुम क्या नहीं है, हम क्या है, तो तुम्हारा इसी से क्या वास्ता है, तेरा की
हम भगवान हो गया तो उसमें तेरा क्या वास्ता। तुम अपनी प्रशंसा करो, तुम अपने को भगवान समझो, तुम अपने को नमस्कार करो राजा जनक की तरह। बाकी गुरु की प्रशंसा किया या भगवान की प्रशंसा किया तो भगवान को खुशी नहीं होती है, वो तुम्हारी बेवकूफी के पर हंसता है। तो हमारी प्रशंसा क्यों करता है? जो हम भगवान है वो खुद तुम भी है, तुम्हारे भीतर भी वही आत्मा है जो हमारे भीतर है, जो तुम्हारे अंदर भगवान है वही एक भगवान है सबके अंदर। तो तुम क्यों नहीं अपने भगवान की प्रशंसा करता है, अंदर वाले भगवान की इंसल्ट क्यों करता है? जब किसी की बाहर प्रशंसा करता है, किसको बाहर प्यार भी करता है, तो अंदर वाले भगवान की इंसल्ट किया, क्योंकि अपने अंदर वाले भगवान से तुम दूसरे को जास्ती प्यार किया, ये भी तुम डायन बना। दूसरे भगवान की तुम प्रशंसा किया, दूसरे को प्यार किया, दूसरे के ऊपर तुम मोहित हो गया, तो इसमें तुमने अपने अंदर वाले भगवान का बहुत बेइज्जती किया। इसके लिए भगवान अंदर ही अंदर तुमको दुखी करेगा, भाई मैं अंदर बैठा हूँ तुम अटकता है, दूसरे में अटकता है, ये तुमको सजा मिलेगी। क्योंकि अंदर वाला भगवान ये सह नहीं सकेगा कि मैं अंदर इतना बड़ा भगवान बैठा हूँ, हाथ जोड़ता है, ये बत्ती जलती है ना, हाथ जोड़ता है। ऐसी तरह से ज्ञानी की बत्ती जल रही है अंदर, तुम हाथ जोड़ता है और अपने अंदर की बत्ती बुझा के बैठा, इतना तुम बेवकूफ मूर्ख है। जब तुम अपने अंदर की बत्ती जलाएगा, अपनी ज्योत जलाएगा, तो सर्व को प्यार करेगा, सर्व को नमस्कार करेगा कि सब में मैं हूँ, नहीं कि एक जगह मैं हूँ। एक जगह भगवान को देखना तमोगुणी ज्ञान है, एक जगह भगवान को हाथ जोड़ना पांव पड़ना तमोगुणी ज्ञान है, और वो अज्ञान है। गीता के 18 अध्याय में लिखा पड़ा है, जो सर्व में पेखे भगवान ये सत्वगुणी ज्ञान, जो कमती जास्ती आत्मा देखना रजोगुणी ज्ञान। और एक ही व्यक्ति में, एक ही जगह, एक ही किसी मूर्ति में, एक ही शरीर में इसको भगवान देखना, हाथ जोड़ना पांव पड़ना पूजा करना, ये तमोगुणी ज्ञान है और ये बिल्कुल अज्ञान है, ऐसा लिखा पड़े। तो तुम जब ये हाथ जोड़ता है पांव पड़ता है एक को या किसी शरीर को, तो तुम मूर्ख हुआ, अज्ञानी हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी टाइम ज्ञानी तो तुम्हारे ऊपर हंसेगा, बोलेगा ये बेवकूफ है, अपने को खुश करता है, हाथ जोड़ता है पांव पड़ता है, अपने को खुश करता है, बाकी उसको तो कभी खुशी नहीं होगी। सच्चा ब्रह्म ज्ञानी होगा, उसको कभी भी तुम्हारी प्रशंसा की खुशी नहीं होगी, और वो तुमको बोलेगा तुम अपनी प्रशंसा करो, तुम अपने अंदर जो भीतर आत्मा है उसको नमस्कार करो, आत्मा में ही रमण करो, आत्मा में ही खुश रहो, तृप्त रहो, अपने आप को जानो कि मैं भगवान हूँ। इट इज अ सिन नॉट टू से दैट आई एम गॉड, ये पाप है जो अपने को तुम भगवान करके नहीं जानता है, दूसरे को भगवान करके आके प्रशंसा करता है। जो आज प्रशंसा करता है वो कल जरूर निंदा करेगा, क्यों? अपने को नहीं जाना, दूसरे किसी में विश्वास रखा है, दूसरा भगवान है उसका। जो दूसरा किसी व्यक्ति को भगवान देखता है वो अव्यक्त आत्मा को नहीं जानता है। जो व्यक्तिगत में फंसा पड़ा है, भाई व्यक्ति ये भगवान है, ये शरीर भगवान है, वो अव्यक्त ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानता है। इसके लिए किसी व्यक्ति में फंसा पड़ा है तो ये अच्छा है, ये अच्छा है, दूसरे में भाव रखना ये भगवान है, ये अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, ये तो हमारा भाई भगवान है, हमारा भगवान, तो इसमें भी दो आ गए, तुम फंस जाएगा हमारा भगवान। लेकिन मैं ही हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, जो तू है सो मैं हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो आत्मा हूँ, सर्वत्र मैं हूँ, ऐसा जानने वाला कभी भी किसकी प्रशंसा निंदा करेगा ही, कर्म बनाएगा ही, और नहीं प्रशंसा निंदा में खुश और रंज होएगा। नहीं जीने में खुश है, नहीं मरने में रंज है, जीना और मरना उसके लिए है ही नहीं, आत्मा नहीं जीता है नहीं मरता है। ज्ञानी जीते जी मरा पड़ा है और जीते जी जीता पा है, मर के जिया है, शरीर करके तो वो है ही नहीं, तो तुम किसकी प्रशंसा करता है? जो शरीर ही नहीं है उसकी तुम प्रशंसा करता है, 5 फुट 6 फुट की प्रशंसा करता है तो हमारी इंसल्ट करता है, क्योंकि मैं इतना बड़ा भगवान हूँ तो हमको 6 फुट का भगवान कैसे जाना? ये भी तुमको सजा मिलेगी। अगर 6 फुट का एक आदमी को ऐसा भगवान देखना, ये फलाना भगवान है, ये भी तुम्हारा दोष है, ये भी इंसल्ट किया गुरु की, भगवान की। जब एक जगह झुका तो सर्वत्र कौन है, इतना बड़ा भगवान कौन है,
वो मैं हूँ। तो तुम इतना छोटा मेरे को कभी नहीं जानना, नहीं अपने को छोटा करके जानना। अपने को भी सर्वत्र सर्वव्यापी देखो, हमको भी सर्वव्यापी देखो। तो कौन नमस्कार करे, किसको नमस्कार करे, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन गुरु है, कौन शिष्य है, किसकी तुम प्रशंसा करता है, किसकी निंदा करता है। एक की अगर प्रशंसा करेगा दूसरे की निंदा करेगा। एक भगवान है उसकी प्रशंसा करेगा, घर जाके नौकर की निंदा करेगा, बेटे की निंदा करेगा। भगवान तो बड़ा अच्छा है लेकिन मेरा बेटा अच्छा नहीं है। एक को जास्ती एक को कमती समझेगा, ये रजोगुणी क्या, इसकी आत्मा महान है लेकिन इसकी आत्मा पापी है, फिर तुम गिर जाएगा। इसलिए बोलते हैं ज्ञानी की कोई प्रशंसा करे निंदा करे उसको खुशी और दुख नहीं होता है, वो अपनी आत्मा में स्थित है और जीने और मरने का उसको कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है। वो जीता है तो भी ठीक है, जब मरता है तो भी ठीक है, दोनों बात में राजी है। वो तो आत्मा में ही जीता है, शरीर तो उसने पहले ही छोड़ दिया है, इसके लिए मरने का कोई डर नहीं है। जो गुरु के आगे मर चुका, जिसने अपना शीश भेंट कर दिया गुरु को, वो कब मरेगा, कैसे मरेगा, कौन सा धर्म राजा आएगा, कौन सा काल आएगा जो उसको मारेगा, उसको मौत ही नहीं है, इसके लिए वो डरता भी नहीं है मौत से। तुम जो जिंदा है दुनिया में जिंदा है, मैं जीता हूँ, मैं किसका फलाना मन हूँ, मैं फलानी भाई हूँ, तो तुमको मौत का डर होगा। हुअण जे साम्हूं आए खतरो मौत जो बीठल, हुअण जे साम्हूं आए खतरो, मां आया मैं हूं तो खतरा है, मैं एक दिन मैं मर जाऊंगा। बोलता मैं ही नहीं हूं तो मरेगा कौन, जो पहले ही मरा पड़ा है वो मरेगा कैसे। तो उसको मौत की सजा भी नहीं मिलेगी, मौत का डर भी नहीं होएगा। जो पहले से ही मुक्त होके बैठा है, अपना काम उतार के बैठा है, वो नहीं बोलेगा मैं नहीं मरूं। और तुमने जो काम नहीं उतारा है ना, अचानक मौत आ जाएगा, तुम घबरा जाएगा, अरे मैंने तो अभी पूरा काम किया ही नहीं है, अभी तो मैं मुक्त भी नहीं हुआ हूँ, अभी तो फलाना काम पूरा भी नहीं हुआ है, इतने में मौत आ गया। तो तुम मौत से डरेगा, जो काम उतार के बैठा है वो मौत से नहीं डरेगा। तुम्हारा काम आधा में रुला पड़ा है, इसके लिए तुमको डर लगेगा, चलो मौत नहीं आवे मैं पहले मुक्त हो जाऊं। जो मुक्त है वो तो खुशी से अपना शरीर दे देता है, भाई अभी भी आवे मौत लेके जावे से शरीर को, किसको लेके जाएगा, मेरे को थोड़ी लेके जाएगा, मैं तो आत्मा हूं। जिसको वासना है वो भी डरेगा, जिसका कर्म खाते में है वो भी डरेगा, और जो मुक्त नहीं है वो भी डरेगा मौत से। जो जीव भाव है उसमें हमेशा डर रहेगा, तो मैं शल न मरूं, और दूसरे के मरने पर भी तुम दुखी होएगा, अपने मरने पर भी दुखी होएगा। लेकिन कृष्ण भगवान बोलता है मौत है ही नहीं, तीनों कालों में मौत नहीं है। अर्जुन को दूसरे अध्याय में यही पक्का कराई है, यही निश्चय कराया कि मौत नहीं है, मौत से नहीं डरो। ये पुराना कपड़ा उतार के नया कपड़ा पहनता है, एड्रेस का खाली चेंज हो गया है, क्लोज का चेंज हो गया है, बाकी तुम तो आत्मा है, आत्मा का। मृत्यु का डर, अहंकार से डर, मन से डर, डर डर के सबने जिंदगी बेकार कर ली है। लेकिन आत्मा को किस चीज का डर हो सकता है, जो अपने को ब्रह्म स्वरूप जानता है, निश्चय में रहता है, वो डरेगा किस चीज से। पहले तो निश्चय को भी समझना पड़ेगा। निश्चय जब करने को कहा जाता है, आप छोटे छोटे निश्चय तो कर लेते हो, सत्संग रोज आऊंगा निश्चय कर लिया, गुरु के वचन को नहीं टालूंगा निश्चय कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा निश्चय अपने स्वरूप का, आई एम दैट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। अपने अंदर एक निश्चय होना, मैं आत्मा हूं, क्योंकि वही निश्चय सर्व दुखों की निवृत्ति, सर्व संशयों की निवृत्ति और पूर्ण परम आनंद की प्राप्ति कराएगा। बिना आत्म निश्चय के किसी का भी कल्याण नहीं है, हर एक को अपना निश्चय तारेगा। कई बार मन सोचता है मुझे गुरु तारेगा,
नहीं, तुम्हारा निश्चय तारेगा। जब तुम्हारे पास कोई परिस्थिति आएगी उसी समय भी तुम्हारा निश्चय ही तुमको काम में आएगा। अगर निश्चय नहीं है तो भले गुरु भी पास खड़ा रहे कोई फायदा नहीं होगा, पर अगर निश्चय है और थोड़ा तुम कमजोर पड़ भी गए, गुरु तुम्हारा निश्चय तुम्हें याद दिलाएगा और फिर से स्ट्रांग हो जाओगे। इसीलिए निश्चय की पहले जरूरत होती है। हर एक अपने स्वरूप का निश्चय करे तो सारे डर उसके छूट जाएं। ये जो कल का ख्याल आता है, फलानी चीज मैनेज कैसे होगी, किसको मैनेज करना है, शरीर की रिक्वायरमेंट है उसको भगवान दे देगा, तुम्हें क्या मैनेज करना होगा, डर बेकार का। कोई व्यक्ति फिसल गया इस मार्ग पर चलते चलते, बेकार का डर, कहीं मैं भी ना फिसल जाऊं। तुम्हारे आगे समझो कोई चल रहा है और वो फिसल के गिर जाता है, तुम अलर्ट हो जाते हैं या तुम भी गिरते हैं? तुम ध्यान से देखने लगते हैं भाई यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, कोई छिलका है, कोई चीज है, क्यों गिरा ये? तुम बच के निकलते हैं। तुम्हारे आगे कोई चलता हुआ फिसला, हैरानी की बात ये लगती है, चढ़े हुए तुमको नहीं दिखते, गिरे हुए तुम्हारे दिमाग में पहले आ जाते हैं। चढ़ा हुआ गुरु बैठा है ना सामने, तुम्हें किसी और तरफ देखने की क्या आवश्यकता है? उसकी भी ये सिचुएशंस थी, उसका भी फलाना था। सबसे बड़ा कपट अपने मन का होता है। कोई भी अगर फिसलता है वो अपने मन के कपट से फिसलता है, विकार से भी नहीं। पहले तो हम बोलते थे व्यक्ति विकार से फिसलता है, पर आज अनुभव से हम बोलते हैं व्यक्ति कपट से फिसलता है। अगर मन में किसी के कोई चोर आ भी रहा है, गुरु से सच्चा बने, गुरु उसको डोज देगा, निवृत्त करेगा, उसका मार्ग ठीक हो जाएगा। जो व्यक्ति गुरु से चोरी करता है वो फिसलता है ना। अब तुम्हें इंटरनल सिचुएशंस पता किसी की, और तुम किसी को देख के यहां बैठे थे, तुम किसके लिए बैठे हो? तुम अपने भगवान को देख के बैठे थे, तुम उन्हीं में आंख रखो। तुम इधर उधर देखते क्यों, कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम किसी को देख के चढ़ें, गुरु का आदर्श थोड़ा पड़ता है तुम्हें चढ़ने के लिए, जो औरों को देख के चढ़ना है। सोचने जैसी बात है, गुरु का आदर्श कम है कहीं से? बहुत है। उन्हीं का आदर्श अपने जीवन में उतर जाए वही बहुत बड़ी बात है। बेकार की बातों में मन क्यों रखते हो? ये तो चलता रहेगा। ये तो यहाँ पर भी ना एक रेलवे स्टेशन है, कई ट्रेनों में चढ़ेंगे, कई उतरेंगे, कोई ड्राइवर बन जाएंगे, कोई कंडक्टर बन जाएंगे, चलता रहेगा ये सब तो मेला। यहाँ पर भी कोई फर्स्ट क्लास वाले होंगे, कोई सेकंड एसी वाले होंगे, कोई जनरल वाले होंगे, कोई विदाउट टिकट भी होंगे, कोई चोर उचक्के भी होंगे। तुम काहे किसी में मन रखते हो? सबसे मन हटा के अर्जुन तू मेरे में मन रख। भगवान ने गीता में एक की दे दी है अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको, कि अगर इस मार्ग पर पूरा चलना है तुमको पूरा का पूरा, तो ध्यान रखो दाएं बाएं देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने लक्ष्य को देखो। जब ही अर्जुन को तीर मारना है मछली की आंख में, मछली ऊपर है, आंख उसकी ऊपर है, पानी में देखते हुए ऊपर तीर मारना है। सिचुएशन तो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ऐसे ही घूमती हुई मछली की आंख में तीर ना मारा जाए, पानी में देख के ऊपर तीर मारना है, बहुत बड़ी चैलेंज है ना। लेकिन अर्जुन कर पाया। कॉज क्या था उसका?
कंसेंट्रेशन, जहां लैक ऑफ कंसेंट्रेशन है वहां आप चूकोगे, जहां आप अपने एम पर फुली कंसेंट्रेटेड हो चूकने की संभावना नहीं है। जहां जहां पर भी चूक होती है किसी से, इसका साफ साफ एक मतलब है लैक ऑफ कंसेंट्रेशन। अगला व्यक्ति कंसेंट्रेशन में लैक कर रहा है और वो लैकिंग उसकी गिरावट है, वो लैकिंग उसको परेशान करने वाली है। लैकिंग मत लाओ, यहां भी आके किसी तरफ देखना लैकिंग है। गोपियों ने भले गीत गाए इकट्ठे बैठ के, लेकिन टॉपिक एक कृष्ण है, एक दूसरे की चर्चा नहीं है, एक दूसरे की बात भी नहीं है। किसी ने नहीं बोला तेरे जैसा प्यार मेरा नहीं है, तेरे जैसी बात मेरे से नहीं है, किसी का ध्यान ही नहीं है। ध्यान सबका कृष्ण में है, ध्यान सबका अपने भगवान में है, दूसरी तरफ किसी का ध्यान है ही नहीं। हर एक का ध्यान केवल और केवल भगवान में है। तो जब हम सबसे मन हटा के भगवान में मन रखते हैं, तब हम सही चलते हैं। कहने को लोग बातें करते थे, गुरुजी से भी पूछते थे, विश्वामित्र जैसे फिसल गए। भगवान बोलते थे विश्वामित्र जैसे फिसल गए, दादा भगवान जैसे चढ़ गए, गीता भगवान जैसे चढ़ गए, आज गुरु तुम्हारे सामने हैं, वो चढ़ गए। ना विश्वामित्र को देखा, ना मिले, ना तुम्हारे खानदान में दूर दूर तक रिश्ता है विश्वामित्र से, उसका चिंता ना गया तुम्हारे दिमाग में। और जो गुरु सामने प्रत्यक्ष बैठा है, जिसने अभी तक भी तुम्हें चढ़ाया है, तुम उसका आदर्श भूल जाते हो। क्या करेगा याद करके ये जमाना, भूल जा, भूल जा। जो देखता है, जो है देखा, भूल जा। क्या करेगा याद करके ये जमाना, भूल जा। जो इर्द गिर्द का जमाना है ना, इसको भी भूलने में ही बेहतरी होती है, याद करने में कोई बेहतरी नहीं है। व्यर्थ के चिंतन, व्यर्थ की बातें, इस सब में मन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी मन कहेगा कल की कैसे, परसों की कैसे। अच्छा एक विचार करके देखो, तुम जब तक तुम नहीं कमाते थे रोटी नहीं खाते थे, फिर आज मैनेजमेंट में दिक्कत कहां से आ जाएगी। थोड़ा सा अपने मन को साक्षी होके देखो, स्ट्रांगली आंसर करो और अंदर से रिलैक्स हो जाओ। एक वक्त होता है जब हर कोई डरता है, मेरी लगन पता ना चल जाए, डांट ना पड़ जाए, चोरी चोरी निकले। लेकिन भक्ति करे पाताल में प्रगट होए आकाश, ये खेल भी भगवान ही करता है। क्योंकि जब तक प्रगट नहीं होता है, अपने मन में भी चोर रहता है। हम लोग ना प्रगट नहीं करना चाहते कभी कभी, क्योंकि प्रगट करेंगे तो घर वाले अब हमको सारी कसौटियों पे कसेंगे। मन सोचता है चोरी चोरी अंदरूनी काम चलता रहे। खाली डांट का डर नहीं है, चोर भी है। फिर वो कहेंगे तुम तो, तुम्हारा जीवन सत्संग का है, इच्छा क्यों करते हो, रोज घूमने क्यों जाना है, खाना क्यों है, सेवा क्यों नहीं करते हो, तुम्हें तो सेवा करना सिखाते हैं। मन बहुत इंटेलिजेंट है, सोचता है पर्दा पड़ा रहे, पता ही ना चले, खबर ही ना पड़े किसी को, क्योंकि तुम आधा ज्ञानी आधा अज्ञानी होके चल सकते हो। अपने ऊपर भी चेक करना, तुम्हारा मन साधारण लोगों की तरह नकल करना चाहता है। सत्संग में आके सत्संगी, घर पहुंच गए, इच्छा हक
सब वैसा ही रखोगे? आज क्या तुम यहां किसी पे हक रखोगे? समझो तुम्हें कोई सेवा दी जाए, तुम अपना स्टेमिना बढ़ाने की कोशिश करोगे कि मैं पूरा कर पाऊं, नहीं तो बोलोगे अच्छा अभी 1 घंटे बाद कर दूं, इतना मैंने कर दिया बाकी 1 घंटे बाद कर लूं, शाम को कर लूं। लेकिन तुम इरिटेट तो नहीं होगे किसी से? अपने घर में तुम इरिटेट क्यों होते? बिकॉज यू एक्सपेक्ट। घर में इरिटेट क्यों होते हो? क्योंकि तुम हक रखते हो, अधिकार रखते हो। वो चीजें हैं ना, तुमने वहां घर में रहते हुए क्या ये सोचा कि एक साधक होने के नाते मुझे तो मिटके चलना है, मौन में चलना है, इच्छा नहीं करनी है, और अपने को घिसाओगे कैसे? बोला जो घसेगा वो वसेगा। तुम अपने आप को घिसाओगे कैसे? और क्यों नहीं घिसाते हो अपने को? अगर तुमने किसी को सेवा कही, किसी को 4 दिन नहीं किसी ने की, तुम्हारी परीक्षा इरिटेशन क्यों है? उलझन क्यों है? परेशानी क्यों है? इरिटेशन के जो कारण तुम लोग बताते हो उसमें मिस्टेक्स तो तुम्हारी हैं, दूसरों की थोड़ी हैं। कई बार घर के लोग भी पूछते हैं अच्छा तुम बात करके आए, कौन सी बात करके आए? क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं क्या तुम सच्चे हो गुरु से, ईमानदारी से तुमने अपना विकार रखा गुरु के आगे। इरिटेशन भी इसलिए होती है कि हम जो बताना चाहते हैं सो बताएंगे, जो नहीं बताना चाहते नहीं बताएंगे। इंटरफेरेंस किसी की पसंद नहीं आती ना अपनी लाइफ में। प्रॉब्लम्स ये हैं, मन को साक्षी हो के जानो, तुम्हें पता चलेगा मन तुम्हें आज भी अंदर से ओवर पावर करता है, मन तुम्हें आज भी चलाना चाहता है, मन तुम्हें आज भी संसार के सुख संसार के रस दिखाता है, और तुम दोहरी जिंदगी जीना चाहते हो, एक तरफ ज्ञान वाली एक तरफ अज्ञान वाली। क्योंकि हर चीज में अगर हम ज्ञान को डाल लें तो शायद कोई बात बचती नहीं है। अगर हर चीज में हम ज्ञान को डालें, ना इच्छा बचती है, ना अहंकार बचता है, ना क्रोध बचता है, ना लोभ बचता है, ना मोह बचता है, परेशानी है ही नहीं। लेकिन जहां जहां पर सूक्ष्म मन के रस रहते हैं वहां वहां परेशानियां रहती रहती हैं। मन को प्रॉब्लम सिर्फ ये है, सिचुएशंस नहीं है, अपना ही अज्ञान है जो तुम्हें परेशान करता है। क्योंकि ड्यूअलिटी पसंद है। संसार में भी लोगों को देखो मल्टीफेसेड है। सत्संग में आके भी हम सोचते हैं हम ड्यूअलिटी से जी लें, दोहरी जिंदगी जी लें, लेकिन संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। संतों के पास अपने अनुभव है, अपने विवेक से तौले हुए जाने हुए और समझ में आती हैं चीजें। कल भी हम पढ़ रहे थे स्वामी राम तीर्थ का, अमेरिका में एक लेक्चर दिया उन्होंने, इतनी सुंदर बात थी। बोला ये जो द्वेष आता है तुम्हारे मन में, औंधा अनुरागी तो है, औंधा अनुराग, किसी से अनुराग था एक समय, अब अगर वहां से अपने अनुसार नहीं हुआ, औंधा हो गया वो अनुराग, द्वेष का रूप ले लिया उसने। कहां तक सोच जाती है संतों की, कहां तक अनुभव है उनका। उसने छोटा सा नाम दे दिया औंधा अनुराग। और विचार करो अपने अंदर, तो सच बात है जहां जहां ज्यादा राग होता है फिर वहीं खींचातानी आती है।
क्योंकि जिससे हम जुड़े होते हैं, ममत्व बुद्धि होती है, आसक्त होते हैं, फिर कुछ समय के बाद हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, पूरी नहीं होती, फिर हम कहते हैं मुझे इससे वैराग हो गया। माँ को बेटे से ही सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, पैदा होते ही गर्दन दबा देती, ये कर देती, क्यों? औंधा अनुराग है ना ये जो बोल रही है वो अभी भी अनुराग है, पर अभी ये औंधा हो गया, उल्टा हो गया। यही तो खेल है। और तुम लोग कहां पड़े रहते हो टके टके की बातों में? ज्ञान का कोई गहरा विचार करो, जागृत बनो, समझदार बनो। एक व्यक्ति तुम्हें कहां से कुछ बोलता है उसको कैच नहीं करोगे, पर मेरी गलती कहां है, मेरी गलती कहां है? समझने की कोशिश की तुमने, बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ हम अपने अंदर पाल लेते हैं, क्योंकि अहंकार कहता है आई एम राइट, मैंने जो किया ठीक, मैं जो सोचता हूं ठीक, मैं जो करता हूं ठीक। अहंकार अपना आधिपत्य जमा के बैठा है तुम्हारे ऊपर, वो तुम्हें फ्री नहीं होने देता, तुम्हारी सोच नहीं स्वतंत्र होने देता। अहंकार से भी हमारी सोच बाधित होती है। जब तुम अहंकार का पर्दा हटाते हैं, सोच भी तब स्वतंत्र होती है, राइट ट्रैक भी तब मिलता है। नहीं तो सोच भी बंधन में है हमारी। जब अहंकार के नजरिए से सोच रहे हैं तो मुक्त तो हम सोच ही नहीं सकते ना, उसी लिमिट में सोचेंगे अहंकार के। पर अहंकार का पर्दा हटाएंगे तो सोच हमारी मुक्त होती है, फिर हमें अपनी भूलें भी पता चलती हैं, अपना ज्ञान भी पता चलता है, अपने अंदर छिपे हुए दोष भी समझ आते हैं, और हम उनकी निवृत्ति के लिए प्रयास भी शुरू करते हैं। अभी एक बात अपने से पूछ के देखो, कितना तुम्हारा माइंड इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहता है कि जैसे तुम यहां रहते हैं वैसे तुम घर में भी रहते हैं? पूछ के देखो, दोहरी जीवन हो गई नहीं हो गई? और साधना को आप एक्सेप्ट यहां भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके स्वभाव, आपके रस, आपकी आदतें कहेंगे चल दो दिन की बात है, चल चार दिन की बात है, चल कोई बात नहीं। लेकिन एक व्यक्ति का शेड्यूल ही वैसा हो, उसको प्रॉब्लम कहां आएगी? अभी ये लोग उधर जाते मिलिट्री वगैरह में, तो वहां इनको खूब ट्रेनिंग देते हैं और खाना पीना उस तरीके का। जब छुट्टी मिलती है ना, तो भी इनको रोज अपनी एक्सरसाइज, रनिंग सब करनी होती है, वेट बढ़ा के नहीं ले जा सकते। भाई यहां आ गए माँ के लाड में, रिश्तेदारों के लाड में, खा पी के 2-4 किलो वजन बढ़ा के चले गए, संटियां पड़ेंगी वहां जाके, और रोज अपनी फोटो भी भेजनी होती है कि हम वॉक पे आए हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, रोज की रिपोर्टिंग। और वापिस पहुंच के ना स्टेमिना लूज होना चाहिए, ना वेट गेन होना चाहिए, कुछ नहीं, जैसा हमने भेजा था वैसे हमको वापिस चाहिए तुम। तो वो बात एक अगर जज्बा हो अंदर में, जैसे हम यहां एक्टिव हैं, जैसे हम यहां किसी से हक नहीं रखते, एक्सपेक्ट नहीं करते, वैसा चलो और वैसा लौट के आओ। कोई यहां रहने वाला भी जब जाता है ना 4 दिन, वापिस आता है समझ में आ जाता है उस रंग में रंग गया, कंसंट्रेशन की लैकिंग जबकि आएगी, खाना उतना ठूस लिया अंदर, सब नजर आता है कि बिगाड़ लिया अपने आप को। और कोई कोई जाता है ऐसे का ऐसे वापिस आता है, फर्क ही नहीं पता चलता, गया भी था लौटा भी है। तो यहां पर इस चीज की भी वैल्यू है, जैसे मिलिट्री की ट्रेनिंग में वैल्यू है, यहां भी वैल्यू है। अब वहां पे तो शरीर की बात हो गई, वजन नहीं बढ़ने देना, एक्टिवनेस कम नहीं होने देना, यहां पर हो गया घर जाके सुख बुद्धि के अधीन नहीं होना,
अहंकार में नहीं आना, देह उपाधि में नहीं आना, अपने आप को विकारों में फ्री नहीं छोड़ना, यहां भी वो सारी चीजें, और उन सब चीजों को साथ लेके चलना ही पड़ता है, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। उमंग बढ़नी चाहिए, तरंग बढ़नी चाहिए, प्यार बढ़ना चाहिए, सत्संग की लिंक बढ़नी चाहिए, सत्संग का शौक बढ़ना चाहिए, रूटीन रहना चाहिए। जहां भी हो तुम, चाहे तुम अपने फील्ड्स में हो, चाहे तुम हॉस्टल्स में हो, कहीं भी हो, तुम्हारे पास एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए, रेगुलर रूटीन। भाई मेरा सत्संग का वही रूटीन है, रोज मुझे सुनना ही है, चेक क्लासेस हैं तुम्हारी उस टाइम पर, ठीक है आगे पीछे सुनो, लेकिन एक फिक्स होना चाहिए कि मुझे सत्संग सुनना है, फिक्स होना चाहिए मुझे अपने लिए समय निकालना है, लिखना पढ़ना मेहनत करना, और सारा दिन ज्ञान के अनुसार जीना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम सोचते हैं हमने सत्संग सुना बस खत्म हो गई बात, नहीं, सत्संग के अकॉर्डिंग लाइफ होनी चाहिए, सत्संग के अकॉर्डिंग हमको जीना है। सारा दिन हम अपने को सत्संग की कसौटी पे खरा उतारते रहें, एक विचार भी आता है उसको सत्संग की तरफ मोड़ो, एक बात भी आती है उसको सत्संग से जीतो, पूरा दिन तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है वो गुरु के ज्ञान पर होना चाहिए। अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में ही गुजरती है, सच हमारा जीवन है, जिंदगी सच में गुजरनी चाहिए। अपने आप को डाउन करने के लिए, रूट से जुड़े रहने के लिए, देखो दादा भगवान तक की बातें आप सुनते हो, कभी वो लेडी जो गई, उस समय वेस्टर्न टॉयलेट्स होते नहीं थे, माथेरान में दादाजी लेके गए थे, या पता नहीं उधर लोनावला वगैरह कहीं थे, तो एक लेडी आई, उसको लेग्स की प्रॉब्लम थी, तो कटी हुई कुर्सियां आती थी, पहले देखी होंगी तुमने, उसमें पार्ट रख दिया जाता था, वो उसको यूज करती थी फ्रेश होने के लिए, लेकिन वो उसको क्लीन नहीं कर सकती थी, दिक्कत थी उसको। दादाजी अंदर जाते थे, उसका पॉट भी क्लीन कराते थे। कभी हमने सुना दादाजी पोचा भी लगा लेते थे बिना किसी को बोले, क्या था? ब्रह्म ज्ञानी भी अपने को रूट्स से जोड़ के रखता है, धरती पे रहता है, भले बाहर से कितना सम्मान हो जाए, कुछ हो जाए, पर वो अपने आप को निमाना बना के रहता है। ब्रह्म ज्ञानी भी हमेशा इस प्रयास में रहता है, संगत में भगवान देख के वो भी सेवा करता है। दादा भगवान बोलते थे, मैं ज्ञान यज्ञ द्वारा तुम सबकी सेवा करता हूं, मैं ज्ञान नहीं सुनाता हूं। जैसे ज्ञान, जैसे बाहर का यज्ञ करते हैं, यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा होती है, बोला मैं ज्ञान यज्ञ द्वारा तुम सबकी सेवा करता हूं। वो जो वचन है ब्रह्मज्ञानी के, फील करो कहां से निकल रहे हैं। अभी तो ज्ञान का गा नहीं आया, और अहंकार कितना हो जाता है, मैं कितनी हो जाती है, हम सोचते विचारते ही नहीं है कुछ, अपनी मैं में चलते हैं, लेकिन कितना सुंदर एटीट्यूड, कितना सुंदर नजरिया। अब सबके सिर पे गुरु तो हमेशा बैठा नहीं रहता, जब तक गुरु है उनकी सेवा में अहंकार जाता रहता है, लेकिन गुरु के बाद उन्होंने क्या दिखाया, संगत में भी अपने भगवान का वास समझ के मैं सबकी सेवा करता हूं। सबको देखा, दादाजी की बातें सुनी, गुरु जी को तो सामने सामने देखा। अब हर कोई अपने को ज्ञान से बनाता रहता है, ये नहीं कि बस ज्ञान सुना छोड़ दिया, ज्ञान सुना छोड़ दिया, हमेशा ज्ञान के अकॉर्डिंग चलो ना। तुम्हारी आवाज क्यों आती है, तुम्हारा एक ज्ञानवान पुरुष जैसा जीवन नहीं, क्यों नहीं है, तुम्हें क्रोध क्यों आता है, तुम्हें विक्षेपता क्यों होती है, तुम चिढ़ते क्यों हो,
कभी तुम बैठ के विचारते हो अपनी चिड़न को, तुम हमको भी लिख के अगले की गलती बता दोगे कि फलाना व्यक्ति ऐसा करता है तो मेरे को इरिटेट होके जवाब देना पड़ता है, क्रोध से बोलना पड़ता है। मतलब कोई हालत तुम्हें मजबूर भी कर सकती है, कोई हालत तुम्हें मजबूर बना सकती है। तुम इतने गुलाम हो परिस्थितियों के कि हालतें तुम्हें गुलाम बना के चली जाती हैं। अगले के स्वभाव से तुम्हारा भी स्वभाव रिएक्ट हुआ, उसके स्वभाव से तेरा भी स्वभाव निकला, तो ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क कौन सा हुआ? सोच के बताओ। बोला ज्ञानी और अज्ञानी के नहीं कर्म में भेद, दोनों की दूजी भावना, जिसने किया मोक्ष और खेद, भावना का फर्क है ना। आप सोचते हो हम सांसारिक भावनाएं लेके चलते रहें इस मार्ग पर भी, आपको उन भावनाओं को तिलांजलि देनी पड़ेगी। सांसारिक सोच और यहां की सोच बहुत फर्क है। यहां गुरु ने अगर कार्य भी दे दिया, ये नहीं बताया कि तुम कुछ बन गए हो, तुम कोई अपना ओहदा बना लो। उन्होंने बोला तुम्हें सबके आगे मिटने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, अपने अभ्यास के लिए, अपनी साधना के लिए कार्य दिया है। और बोलते थे तो कहते थे शरारती बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाता है। ऐसी बात करके हमको चलाया गया कि यहां भी तुम कुछ हो नहीं गए हो, पर शायद तुम्हारी साधना ऐसे नहीं हो पा रही, तो चलो तुम थोड़ा सा ये कार्य पकड़ो। अब कितना डिफरेंस है, और हर कोई कार्य मिलते ही समझता है शायद मैं कुछ हो गया। उसमें फिर सिखाया, जो लोग साथ बैठते थे सबकी चरण धूलो, सबको प्यार करो, जो तुम्हारे सत्संगी हैं उनको सबसे मिलवाओ, सबसे जोड़ो, सबके लिए रिस्पेक्ट करनी सिखाओ। इतना सारा यहां पर भी हिसाब किताब है। ये नहीं कि बस तुम्हें सत्संग करने आ गया तो तुम कुछ हो गए, बताया इसमें तुम्हें और मिट के चलना है, और आपा गवा के चलना है कि जो दीपक तुमको दिखता है प्रकाश देता हुआ, लौ अपने आप को जलाती है तो प्रकाश देती है, और जो अपने को जलाने में लगा हुआ है उसका ध्यान उस अहंकार में कैसे जाएगा कि मैं प्रकाश दे रहा हूं। जो अपने को जलाने में लगा होगा वो अहंकार नहीं कर सकता मैं प्रकाश दे रहा हूं। ऐसी ऐसी बातों से ज्ञान में भी आगे बढ़ा जाता है। पूरा समय नजर रखनी होती है। भाई गुरु ने कहा क्रोध का कारण इच्छा। अब जब तुम्हारी आवाज तेज होती है, तुम इरिटेट होते हो, पूछो अपने से कौन सी इच्छा आई। मैंने फिर कुछ चाहा, मैं फिर कुछ बना, मैंने फिर अधिकार रखा, तो मुझे उलझन हो रही है ना। ज्ञान साथ रखो सारे दिन, तुम ज्ञान यहीं छोड़ देते हैं, बाकी जाके घर में घर जैसे हो गए। एक कहावत आती है, गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास। भाई आ गए सत्संग में, यहां के हो गए, पहुंच गए घर में उस जैसे हो गए, लेकिन ये कोई बात तो नहीं है। तरीका तो ये बनता है, तुम अपने आप को बनाओ। तरीका तो ये बनता है, चेंज योर सेल्फ। सत्संग तुमने सुना है, घर से दो लोग भी आते हैं, भगवान हम लोगों को बोलते थे ये मत सोचो घर वालों ने ज्ञान सुना है। ज्ञान सिर्फ मैंने सुना है,
और मुझे अपने ज्ञान के अनुसार घर में रहनी बना के दिखानी है, मार्ग मेरा तभी बनेगा पूरा। तुम अच्छा हो, घर के लोगों को पता है तुम निरिच्छा हो, घर के लोगों को पता है। अब आसान है बात सुननी, गीता भगवान बोलते हैं लड़कियां मेरे पास रहती हैं, पापड़ की टुकड़ी भी उठा के नहीं खाती, हम इनको देखते हैं कोई एक बिस्किट की भी इच्छा नहीं करता है। चलो यहां पे आके आप लोग भी ऐसा ही करते हो, तो हॉस्टल्स में भी आदत हो जाती है, टाइम पे मिलता है, लेकिन जब अपने घर में पहुंचते हो उस टाइम भी मन इतना ही संयमी रहता है या उस समय बांध टूटते हैं, या उस समय अपने रसों की पूर्ति याद आती है, उस समय दिल करता है इनको कहें हमें ये खिलाओ, हमें यहां घुमाओ, हमें ये करो, हमें वो करो। गीता भगवान के निरिच्छा पने पर उनकी पूरी फैमिली ससुराल वाली आशिक हो गई थी। भाई ऐसा अचाह भी कोई हो सकता है क्या? मांगते ही नहीं थे, फौरन से हस्बैंड आए, अटैची भर के चीजें लाए और वो सास के आगे रख देते थे। बोला जाता था पहले टैची खोल लो, अपना निकाल लो, अम्मा के आगे टैची रख दी जाती थी। अम्मा को अब समझ थोड़ी, उनको जो जिसके लिए दिखता था ये तू ले जा, ये तू ले जा, और कभी मन ही नहीं चलाया। बोला जो मेरा प्रसाद था मुझे मिल गया, और लेके अपना सामान अपने कमरे में देखते भी नहीं थे और क्या क्या निकला उसमें से, किसके लिए क्या क्या था। उनके इस निरिच्छा पने पर उनकी पूरी फैमिली आशिक हो गई, सब ज्ञान में बढ़े आगे। जेठ के घर सत्संग करते थे, वो हाथ जोड़ के खड़ा रहता था भगवान जब तक आते नहीं थे, आता था पैर छूता था भगवान के आते ही, बिठाना उनको, बाद में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना थोड़ा प्रसाद खा के जाओ, थोड़ा भोग लगाओ। जेठ इतना निव गया उनके आगे, बिछ गया जैसे। और गीता भगवान की ताकत एक ही थी, जब हम लोगों ने भी पूछना चाहा उनके घर के लोगों से, सबने यही कहा कि उनका निरिच्छापना हमें मार गया। हमेशा अचाह होके चले, कभी उन्होंने कोई इच्छा ही नहीं की किसी से, ना बोलना, ना टोकना, ना कुछ कहना, केवल प्रेम बांटना। ये अपनी लाइफ होनी चाहिए ना। सत्संग सुना हमने, हमारे जीवन में ये चीजें होनी चाहिए। कई जगह सत्संग का भी हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता है, जो पसंद होता है ना, फलानी दुकान की फलानी चीज मंगाएं, फलानी चीज खाएं, सत्संग है क्या है, खाना ही क्यों है तुम्हें। और अगर मान लो कोई मजबूरी है भी, कभी जो मिल जाए वही प्रसाद है भगवान का, इच्छा क्यों है, कोई चाहत क्यों है, होनी नहीं चाहिए कोई इच्छा। ये इच्छा इंसान के साथ साथ चलती रहती है, बहुत चलती है, लेकिन अचाह होके चलो। आई वॉन्ट नथिंग। जब दादा भगवान के समय सत्संग चल रहा था, दादाजी ने बोला आज मैं भगवान को तुम्हारे घर भेजूंगा और मैं बोलूंगा इनकी विश पूरी कर दो, तो तुम बताओ तुम लोग क्या क्या मांगोगे भगवान से। 15 साल की एक लड़की बैठी थी, उठ के बोलती है दादाजी मैं भगवान को बोलूंगी जो तुमने दिया है उसमें से भी तुम्हें कुछ चाहिए तो लेके जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान भीतर गया होगा, ज्ञान का बीज अंदर पड़ता है, निश्चय का फल लगता है। ऐसा स्ट्रांग निश्चय कि
कि भगवान तुम्हें भी कुछ चाहिए तो लेके जाओ, मुझे तो तुमसे कुछ नहीं चाहिए। कभी सोचना, ऐसा हम अंदर से डिटर्मिंड हैं, स्ट्रांग हैं। मार्ग तो हमने चुना है, लेकिन हम अंदर से चाहना रहत कितने हैं, तृप्त हैं, भरपूर हैं। सिर्फ एक ही शौक रहता है। कल भी हम बात कर रहे थे कि स्वामी राम तीर्थ, लास्ट में उनका पैर फिसला था, गंगा नदी में स्नान करने गए थे, वहीं जल समाधि हो गई एक तरह की। लेकिन उससे पहले बैठ के लिख रहे थे, इतना शौक सारा दिन सत्संग का। उसी में उन्होंने लिखा, ए मौत बेशक उड़ा दे इस जिस्म को, मैं फिर भी रहूंगा, बहारों में रहूंगा, फिजाओं। बड़ी अच्छी कविता है पूरी। थोड़ी देर पहले तक भी लिख ही रहे थे, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, एक ही ध्यान है ब्रह्म, एक ही ध्यान है भगवान, दूसरा ध्यान उनका कहीं जाता ही नहीं। एक ही जगह मन रमाया है बस ज्ञान में। समय मिले बहुत मिलता ही है, उसको टीवी में मोबाइल में वेस्ट करने के बजाय कोई सत्शास्त्र भी तो पढ़ा जा सकता है। अब तो समझ आने लगा है, हमारे अपने सत्संग का ही कितना लिटरेचर है, उसको बैठ के पढ़ो, समझो, अपने पास नोट करो, बहुत काम है। और एक बार इंटरेस्ट बन जाता है तो मजा आता है। बचपन में नहीं नॉवेल्स पढ़ते थे, जब ये मोबाइल टीवी नहीं थे, हम लोगों के टाइम तो नहीं थे, एक ही शौक होता था पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई कर ली, नहीं तो नॉवेल्स मिलते थे अच्छे अच्छे। आजकल तो मुझे पता नहीं किस तरह के आते हैं। हम लोगों के समय बहुत अच्छे नॉवेल्स होते थे, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी, और जुनून होता था, रात को भी सोते तक पढ़ते रहना, कहीं जा रहे हैं रास्ते में भी पढ़ते रहना। 3 घंटे ट्रेन में लगे, 3 घंटे में नॉवल पूरी हो गई, स्टेशन पे ही खरीद लेना, अपने बैग में रख लेना, ज्यों ट्रेन चलनी शुरू हुई नावल पढ़ ली। रस्ते में क्या दिखेगा, देखने लायक है क्या? वही पहाड़, खेत, वही सब तो दिखता रहता है। अच्छी चीज अंदर गई, कंसेंट्रेशन बनी। आप लोग अपने आप को कंसेंट्रेट करने के लिए क्या करते हो, पूछो अपने से, अपने साथ कौन सी मेहनत करते हो? जा रहा है टाइम तो जा रहा है बाहरी विषयों में, मोबाइल में है क्या देखने लायक? सारा दिन उंगली चल रही है, चल रही है, चल रही है। मैं तो कई बार बोलता हूं, जितनी उंगली इस पे चलती है, माला पे चलती, तो भगवान उतर के आ जाता, बस कर कितना सिमरन करेगा बाबा। सच्ची बता रहे हैं, आ जाता है भगवान, जितनी उंगली, थकती भी नहीं, टूटती भी नहीं, दर्द भी नहीं करते अंगूठे तुम्हारे, ठक 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 चले जा रहे हैं। कितनी गंदी बीमारी है, टीवी है तो टीबी की बीमारी है, मजाले पीछा छोड़ जाए, बस एक सीन और देख लें, बस पिक्चर पूरी हो जाए, बस ये हो जाए, है क्या? कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। इतने समर्थ होने चाहिए, तुम जहां छोड़ना चाहो छोड़ दो, जहां मर्जी छोड़ दो, है क्या? एंड तो पता ही है, देखी हुई पिक्चर भी दोबारा देख रहे हो ना, तो भी एक सीन की इंतजार होती है, एक ये वाला सीन गुजर जाए बस, अभी मार पिटाई होगी ना, मजा आएगा, अभी मारेगा ना उसको, बस उसके बाद चलो छोड़ते। गुलाम क्यों बन रहे हो चीजों के? तुम वही काम कुछ अच्छा भी तो कर सकते हो, वो समय किसी अच्छी चीज को भी तो दिया जा सकता है।
कल भी जितने जने मेरे साथ बैठे थे मैंने सबको बोला तुम हैबिट बनाओ रात को 1 घंटा पढ़ के सो, पढ़ाई की हैबिट बनाओ, लिखने की हैबिट बनाओ। बहुत कुछ है दुनिया में, नेट का यूज सत्संग में भी हो रहा है लेकिन सत्संग टेलीकास्ट हो रहा है, वेबसाइट पे सामान अपलोड करते हैं ये लोग लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तुम कोई अच्छी चीज निकालो, चलो हम तुमको उसकी भी मना नहीं करते। इतने महंगे महंगे मोबाइल हैं, मोबाइल 1 लाख रुपए का, देखते क्या उसमें, तुम्हें भी नहीं पता क्या देख रहे हो, उंगलियां चलाते ही रहते हो। कभी कुछ मिल गया तो मिल गया, नहीं तो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, तुम्हें भी नहीं पता क्या चल रहा है। तुम उसमें कुछ अच्छा ढूंढो, अच्छा लिटरेचर निकालो, अच्छी चीज निकालो। हम लोग कभी कोई 4 पॉइंट्स भी नोट करके ले जाते थे ना, भगवान वेलकम करते थे, हे बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा दृष्टांत है। गाड़ी में 2-3 बार हुआ होगा ऐसा जो मुझे याद है। एक बार तो स्टेशन से सोनीपत जा रहे थे गुरुजी हमारे साथ, रास्ते बंद थे, गांवों में से निकल निकल के गए। रास्ते में हमको बोलते हैं तुम नए नई पॉइंट्स बताओ, नए नए दृष्टांत बताओ, तुम तो बहुत बताते रहते हो सबको। अब हम लोग बच्चे हैं उनके आगे, पर उनको इतना सीखने का शौक रहता था। अभी जो बातें मैंने बताई थोड़ी बहुत झिझक भी हो रही पर पीछे ही पड़ गए, अगले दिन सत्संग में बताई उन्होंने। भीमताल गए हुए थे, वहां से मुक्तेश्वर जा रहे थे, वो भी 2-3 घंटे का रास्ता था, शायद ज्यादा ही था, तो भी यही रास्ते में, अरे तुम कुछ नई नई पॉइंट्स बताओ ना, आप बताइए। बोला हमारा तो सब तुम्हारे पास कैसेट से ही पहुंच जाता है, तुम बताओ। फिर बोले तेरा असल में स्वाध्याय है ना, मेरे को इसलिए अच्छा लगता है, और किसी का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, तेरा पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट बहुत है, तो मुझे मजा आता है तेरी बातें सुन के, बताओ नई बात कोई, बताओ नया दृष्टांत कोई। तो है ना, हमारे पास पोटेंशियल्स तो बहुत हैं, अगर हम यूज करना चाहें। अभी 7-8 लोग हम मिलते हैं, हम लोग एक बुक क्रिएट कर लेते हैं, सबकी शक्ति का ही तो यूज हो रहा है, क्या है ये, सबकी शक्ति का इस्तेमाल होता है। सबके पास माइंड है, सबके पास विचार हैं, सबके पास अपने नजरिए हैं, सब कॉन्सेंट्रेट होके काम करते हैं। हम लोग 8-10 दिन ज्यादा में ज्यादा, क्योंकि जब हमको बुक निकालने का आ जाता है लगते हम तब हैं लगन से, 8-10 लोग हम लगते हैं, दिन रात की मेहनत करते हैं और एक बुक प्रकट हो जाती है। तुम सोचो अंदर हमारे कितनी पोटेंशियल्स हैं, और फिर हमको किसी को पता नहीं होता कैसे हुआ, हो जाता है। इतना तो सुषुप्ति में हम लोगों के शक्तियां हैं, जिनको हम कभी कॉल करते हैं तो वो प्रकट हो जाती हैं, कॉल ही तो करते हैं, उठो भाई फलानी शक्ति आज तेरी जरूरत है, उठ जाती है, जाग जाती है। पोटेंशियल कितनी है हमारे पास सोच के देखो। आज गुरु की वाणी सुनते हो, गीता भगवान को सुनते हो, गुरु जी को सुनते हो, ये जो वाणियों के प्रवाह स्त्रोत्र कहां से आ रहे हैं सोच के देखो। कभी बैठ के वाणी तो सुनते सुनते हो, कभी वो सुनो ये कहां से इतना फ्लो है। ये गीता भगवान को देखो, आत्मा से नीचे ही नहीं आते हैं, क्या फ्लो है ज्ञान का, जबरदस्त है ना पोटेंशियल सबके अंदर, सबके अंदर है पोटेंशियल। पर बात वही है, कोई अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करे। अब उस शक्ति के जागरण के लिए पूरा दिन हमारी कॉन्सेंट्रेशन वही होनी चाहिए, तब जागृत होती है वो शक्ति, ऐसे नहीं जागृत होती। पूरा समय हमारा ज्ञान में ध्यान, ज्ञान के अनुसार चलना, जहां फ्री टाइम मिले
यही लिखना, यही पढ़ना, इसी में कॉन्सेंट्रेट होना, इसी के लिए मेहनत करना, तब मजा आता है। लोग बोलते हैं आप लोग इतना लिख कैसे लेते हो, तुम मोबाइल पे उंगलियां चला सकते हो, हम कॉपी पे नहीं चला सकते। अगर तुम मोबाइल पे उंगलियां चला सकते हो, हम कॉपी में चला सकते हैं। कोरोना में लोगों ने सारा दिन मोबाइल देखे और हम लोगों ने इतना काम किया, इतना काम किया, हमारे पास तो पेन के पूरे बॉक्स खत्म हो गए। जब ये सब ठीक हुआ, इन लोगों ने एक दिन ड्रॉर निकाली, बोला पूरी डिब्बी पेन की खाली कर दी आपने, तो कितना चलता है एक एक पेन? पायलट पेन तो बहुत चलता है। इतने सारे पेन निकले ड्रॉर में से, खाली सारे, बहुत काम होता है। तुम करने वाले बनो ना। कभी तुम्हें अपने ऊपर भी एक नाज होना चाहिए या कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्रिएटिव कर सकते हैं। विवेकानंद तुम्हारे जैसा, रामतीर्थ तुम्हारे जैसा, नामदेव तुम्हारे जैसा, कोई अलग तो नहीं थे ये लोग। सुखदेव मुनि कोई अलग तो नहीं थे, लेकिन जहां कॉन्सेंट्रेट किया उन्होंने, वहीं उनकी शक्तियां सारी उजागर हुई। तुम भी कर सकते हो। कभी अंदर से संकल्प भी तो करो, चाहो भी तो सही, सोचो भी तो सही। जो तू चाही सो तू आही, जो चाहोगे वो तुम हो जाओगे, पर चाहते क्या हो ये सोचो। तुम कुछ भी करने से पहले डर करते हो, मैं कर पाऊंगा, विकल्प करते हो, ना हुआ तो फिर बेइज्जती हो जाएगी, डर क्यों आया? तुम जो चाहो कर सकते हो, जैसा चाहो बन सकते हो। कंस ने कंस बनना चाहा, कंस बन गया। कृष्ण ने कृष्ण बनना चाहा, कृष्ण बन गया। राम ने राम होना चाहा, राम हो गए। रावण ने रावण होना चाहा, रावण हो गया। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, व्हाट डू यू चूज। तुम क्या चूज करते हो अपने लिए, वो तुम हो सकते हो। कितनी छोटी एज में गुरुजी ने हमको सत्संग करने बिठा दिया। लोग सुनते भी नहीं थे, बोलते थे कोई लड़का आता है सत्संग करने, ऐसे बोलते थे, कोई छोटा सा लड़का आता है, स्कूल वाला, कॉलेज पढ़ने वाला। भगवान बोलते थे तू बैठ, सच्चे मिल जाएंगे। और एक दिन कमरा खाली नहीं रहा, लोग आते ही थे। बाहर कुछ भी बोलते हो आते तो थे, फिर भी उनको आकर्षण होता था, बात अच्छी करता है। सब कर सकते हो, तुम भी बांट सकते हो, तुम भी कर सकते हो। कॉलेज में रह के तुमने कितनी सहेलियां बनाई। तुम्हारा मन कहेगा बताओ ही नहीं किसी को, मजाक ना उड़ा दे कोई, तुम बताने का ढंग ही नहीं। एक आई थी थोड़े टाइम के लिए बीच में यहां मेरे पास, उसने अपने कॉलेज में ही पूरा ग्रुप तैयार कर लिया सत्संग का। फ्री पीरियड में बैठ के भजन गाते थे, लेटर्स पढ़ते थे, गुरुजी की वाणी सुन लेते थे, तब हमारे कैसेट्स नहीं थे। बढ़िया उन लोगों का ग्रुप बन गया इतना, पता नहीं डेंटल कॉलेज था क्या था, बहुत सुंदर ग्रुप बन गया। जो व्यक्ति चाहता है ना वो कर सकता है, जो अंदर से चाहता नहीं है वो नहीं कर सकता। डर निकाल के फेंको, किसी को पता चल जाएगा, चल जाएगा तो चल जाए, कल का पता चलता आज चले जल्दी, फ्री तो हैं, सत्संग तो खुल के करें अपना, गुरु के पास तो फ्रीली आए जाएं। एक बार झेड़ा होएगा, निबेड़ा होएगा, करो काम खत्म। ये डर तुम्हें डराता ही रहता है, छोड़ो इसको एक तरफ, आगे बढ़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रहे नौजवान। चलोगे सुस्त बनोगे, अरुणा गर्ग जी यमुनानगर अनम्यूट करें।
हरिओम भैया भैया हरिओम हरिओम हरिओम, क्या बात है भैया। अंदर एक बहुत लहर आ रही है भैया, गा सकती हूँ? हाँ जरूर जरूर। रंग दो सतगुरु अपने प्रेम में, रंग दो सतगुरु अपने प्रेम में रंग दो। भैया इसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। रंग दो या रंग दिया? सच में रंग दिया? तो फिर दो की बात क्यों कर रहे हो? मांगना कभी अरे छोड़ोगे नहीं? कभी सच में पूर्णता की बात भैया, करो, निश्चय की बात करो। रंग दिया सतगुरु अपने अब ये प्रेम बाद में में गाना, रंग ये मेरी दिया। सुनो, जी अभी ये बाद में गाना, ये एक आदत पड़ी हुई है प्रार्थना हाँ जी की, मांगने की, इच्छा करने की। फिर हम सोचते हैं शायद हम भगवान से इच्छा कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं भगवान से तो इच्छा कर सकते हैं या भगवान से तो इच्छा करनी चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं जब भगवान भी बिना मांगे सब दे रहा है, सिर्फ अनुभव करो और शुक्राना करो, मांगने की क्या जरूरत है? सच में। क्या वो अपने वायदे से मुकर रहा है जो तुम याद दिलाते हैं? क्या वो भूल गया है अपने फर्ज को जो तुम याद दिलाते हैं? नहीं वो तो दे रहा है, निरंतर दे रहा है, लुटा रहा है, बांट रहा है, और सिर्फ हम जहां जहां पे लैक कर रहे हैं वो हमारे अनुभव करने में लैकिंग है। जी हम रियलाइज तो करें, एक बार अपनी गठरी खोल के तो देखें, एक बार ये तो एक्सपीरियंस करें हम कैसे आए थे और आज गुरु की कृपा से हम कहाँ खड़े हैं। इतनी मेहरबानी गुरु की हो रही है, सोई हम उसमें भीगे रहें। जी मांगने की जरूरत नहीं है, रंग दो, जी रंग दिया है, यस बस तुम अपने रंग देख देख के झूमते रहो, हाँ जी नाचते रहो और शुक्र अदायगी करते रहो, और इतना ज्यादा भगवान ने दे रखा है, बांटा है, लगाया है रंग, कि आप एक विचार और भी करना अपने अंदर कि इतना अधिक आपके पास है कि आप इसको बांट भी सकते हैं। हाँ जी आप ये रंग जाके सब लोगों को लगाओ, हाँ जी ये भैया, एक बात प्रेम बताना, रंग। हाँ एक बात बताना चाहूंगी। आप अपनी बात पूरी कीजिए फिर नहीं, आप बताता। बोलें, क्या बोल रही हैं? हाँ भैया, आपको पता ही है अवधूत परमानंद जी को मैं पहले फॉलो कर रही थी, तो उनका ना अभी निर्वाण उत्सव था, तो वहां गई हुई थी। पता नहीं वहां भैया सबको आपके इस शिष्य में क्या दिखाई दिया, उन्होंने माइक हाथ में दे दिया, अपने अनुभव सुनाओ। भैया मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, पर वही आपने सच में इतना दिया है ना भैया, इतना दिया है ना, मतलब वहां मुझे पता ही नहीं लगा 15-20 मिनट कैसे मैंने उनको इस ज्ञान से बता दिया। और वो इतना कहते हैं तुम फॉलो अब किसको कर रही हो, कहते हैं हम सब ज्ञान से भरे बैठे हैं पर हम फॉलो नहीं कर पा रहे, हम अनुभव नहीं कर पा रहे, तुम किसको फॉलो। मैंने भैया सच में आप ही का ही नाम बताया। मैंने कहा मेरी को जिंदगी में ज्ञान तो दीदी भैया मुख ज्ञानी थे पर अनुभव में नहीं था। तो ये चीज वहां उन्होंने पता नहीं कैसे इस में देख ली, और उन्होंने कहा कहते अपने जीवन का थोड़ा सा मार्गदर्शन हमें दो। भैया मुझे इतना अच्छा लगा, वही बात आज आपने मुझे कह दी, मतलब धन्य हूं भैया, मैं सच में पर तो धन्य आप हूं अनुभव करके आई है ना, रंग ऐसा है जो दुनिया को भी दिख रहा है, सच और में। फिर कह रही हो रंग दो रंग दो। मतलब मैं तो रंग मतलब अभी मैं आपके लिए यही तो, मतलब आपने सेवा सुमिरन सत्संग
झोली में भर दिए भैया। मैं अभी यही लिख के बैठी थी अब आपके लिए कि मैं भैया को आज बताऊंगी कि सेवा सुमिरन सत्संग झोली में भर दिया भैया आपने। मैं सच में बहुत बहुत बस इस बहुत, कृपा को महसूस करते रहो, हाँ आनंद में जी झूमते रहो हाँ और जी बांटते रहो। बाकी हाँ जी भैया, मुझे सब ठीक है आपसे, यमुनानगर में? हाँ जी भैया, मुझे सविता दीदी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है अभी, वो 2-3 दिन से मेरी भी नहीं बात हो पाई, आज बात करती हूँ उनसे। मुझे अच्छा उनके क्योंकि उनका ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, अच्छा तो अच्छा मुझे उनकी तबीयत में कुछ लग रहा था कि कोई आज बात वो, नहीं, शरीर में घटत बढ़त होती रहती है। हाँ जी ये चलो सब सभी ठीक है, प्रेमियों को याद बोलना। जरूर 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 भैया, जरूर जरूर ठीक जरूर। है अरुणा जी, हरिओम। हाँ भैया, एक चीज और छोटी सी गुजारिश है मेरी भैया, यहाँ से 2-3 मेंबर आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज मुझे, मैं नीरू दीदी से कह के मुझे समय दिलवा दीजिएगा, तो मैं आना चाहूंगी उनको लेकर के। आ जाइए, सत्संग तो रोज ही होता है, आप बता दीजिए जिस दिन आपका प्रोग्राम बने। ठीक है भैया, आप इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा, कई बार बाहर का होता है, कुछ हाँ होता जी हाँ जी है। हाँ जी ठीक है, थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। विभा स्थाना हैदराबाद। हरिओम भैया, कैसे हरिओम। हैं भैया? अच्छा, आपसे तो पूछना ही नहीं चाहिए कैसे कोई हैं बात नहीं, प्यार है ये। भैया। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी आप जैसे बता रहे थे ना, एक चीज आपने अभी बोली कि हम लोग जो चूकते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन। सच बात है, बहुत बार इस चीज को मैंने खुद भी मतलब अनुभव किया है कि जहां भी मैं कहीं गलत हो जाती हूँ या कुछ गड़बड़ होती है लाइफ में, तो कंसंट्रेशन जहां बिगड़ता है वहीं पे ही गड़बड़ होती है। और उसके बाद लेकिन ये चीज भी समझ में आ रही थी कि जैसे कई बार होता है कि किसी चीज से इरिटेशन होनी शुरू होती है कि हाँ कोई बात से इरिटेशन, पहले तो इरिटेशन होती थी, अब थोड़ा सा प्रोग्रेस शायद मैं ये कह सकती हूँ कि इरिटेशन जैसे ही शुरू होने वाली होती है ना, मुझे लगता है कि कुछ होने वाली, मैं अपने आप को उस समय ये ख्याल देती हूँ कि इस समय भैया आके मेरा कोई ना कोई एग्जाम लेना चाह रहे हैं, किसी के मुख से कुछ भी निकल सकता है, तो अपने को तैयार कर लो कि तुम्हें विक्षिप्त में नहीं आना है और भैया के आगे पास होकर दिखाना है। मैं गुड, अपने आप को इस तरह से अपना वो देती हूँ। और दूसरी चीज, अभी प्रकट करने वाली बात जो आप बोल रहे थे, तो सच में एक चीज और मैंने देखा कि जब से घर में प्रकट किया है सत्संग के बारे में, उनकी से बोला है कि नहीं भाई इसके अलावा कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, कुछ नहीं चाहिए, कुछ मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये नहीं छूटना है, तब से ना ये भी फील होता है कि जैसे शायद अभी अभी आपने बोला था कि जो लोग घर वाले भी होते हैं ना, वो और ज्यादा जज करते हैं, और ये उनका भी मानना ठीक ही है, वो जो जज करते हैं उसमें मुझे ये शिकायत नहीं है, इवन ऐसा लगता है कि मुझे और बनाने के लिए वो चीजें बोलते हैं कि हम और स्ट्रांग होते जाएं, जो कुछ भी आप बोलते हैं जो करते हैं, हम कहाँ चल रहे हैं, हम कहाँ टिके हुए, उनके ये बोलने से ही मेरी स्ट्रांगनेस बढ़ती है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए कई बार बुरा भी लगता है, नहीं कह रही कि बुरा नहीं लगता, बट हाँ उससे हम और स्ट्रांग होते हैं। और एक चीज और भैया मन में आ रही थी कल मेरे, कि कुछ हम ऐसे सुन रहे थे तो उसमें था कि इंसान गलतियों का पुतला है, तो उस चीज से मुझे ये लग रहा था कि हाँ हम कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है, मानते भी थे कहते भी थे, पर अब ना ये चीजें फील करनी शुरू की हैं, जब गुरु के वचन सुने तो मुझे फील ये शुरू हुआ है होना कि इंसान गलतियों का पुतला है, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन जब इसको मतलब सुधारना शुरू किया है ना, तो जो अपने आप में वो आती है मतलब सुधारने में ताकत लगती है, वो शायद ये कहना ही बेकार है कि इंसान गलतियों का पुतला है, वो तो हम जितना मैं सुधारती जा रही हूँ ऐसा लग रहा है कि और कमियां अपनी अंदर से अंदर दिखती जा रही है, फील होता है कि हमारे कितने अंदर तक कमियां और रस बसे हुए हैं कि वो हम तो देखते ही नहीं थे, आज गुरु आपके वचन सुन के या गुरु की वाणी जो सुनते हैं वो सुन के समझ में आता है हम कितने अंदर तक गंदे थे, जो आप कई बार एग्जाम्पल देते हो कि छोटे बच्चे को माँ एक साफ करती है, तो हम लोग तो ऊपर से साफ करते हैं, आप कितने अंदर तक गुरु के वचन जा करके साफ करते हैं, वहां तक तो अभी हम पहुंच ही नहीं सके। अभी ये तो देखा ना,
लेकिन जी इसकी सफाई कैसे हो? सफाई होती है निश्चय से। जी देखा, वो कभी कभी डिप्रेस भी कर सकता है, वीक भी कर सकता है, पर इसकी सफाई होती है निश्चय से। जब तक इंसान मान रहे हो, अपने को जीव मान रहे हो, गलतियों का पुतला भी है, जीव गलतियों का पुतला है, भगवान गलतियों का पुतला नहीं है। तो जी ब्रह्म निष्ठा में आते ही अंदर से ताकत भी आएगी, हिम्मत भी आएगी, और धीरे धीरे अभूल आत्मा में स्थिति होती जाएगी, भूलें खत्म हो जाएंगी। इसके लिए आत्म निश्चय की जरूरत है। मिट्टी से मिट्टी जितनी मर्जी खोदते जाओ, मिट्टी तो निकलती आएगी। गलतियां देखते आओ, गलतियां तो मिलती जाएंगी। लेकिन हम यहां गलतियां देखने नहीं आए, हम अभूल आत्मा में स्थित होने आए हैं कि जब तक मेरा जीव भाव है तहीं तब तक मेरी भूलें हैं। आत्म निश्चय में आ जाओ, अभूल आत्मा में निश्चय में आ जाओ, तो आपके अंदर से ये सब कमजोरी की बातें, गलतियां सब खत्म हो जाएंगी, मन ही नहीं रहेगा। भैया, ये चीज सॉरी मैं बात आपकी काट रहे हूँ, पर मुझे ये चीज मतलब जैसे मैंने कल जब ये वाली बात सोची थी तो मेरे मन में मैंने लिखा भी था कि मतलब हमें अपनी आत्मा मुझे मैंने ये लिखा है कि मुझे ये निश्चय होना चाहिए कि मुझे मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, और इस पृथ्वी पर जैसे मुझे भगवान ने भेजा इस आत्मा को मुझे वैसे ही वापस लेके जाना है। तो लेकिन अभी आपने जो एक बात बोली शायद मुझे नहीं समझ में आ पा रही कि जैसे आपने कहा कि अपनी कमियां नहीं देखनी मैंने चाहिए, ये तो नहीं कहा कमियां नहीं देखनी चाहिए। तुम अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाती जा रही हो। सबसे जी पहली बात तो आत्मा ना आई है ना आत्मा को जाना है। कहाँ ले जी जाने वाली हो आत्मा को? आत्मा का स्वरूप समझा है? आत्मा कहाँ आती है, आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा में कहीं आवागमन ही नहीं है। फिर नहीं है जी, को आत्मा को वापस ले जाना है, किसके पास ले नहीं जाना है? सॉरी, आत्मा देव परमात्मा अलग है क्या? नहीं सर बात खत्म, जाना आना तो झगड़ा खत्म। जी लेकिन देह में सब विकार होते हैं, गुरु जी देह से ही मुक्त करते हैं। जब तक अच्छा अपने को शरीर मानते हैं, गलतियां सारी तभी तक होती हैं। इन गलतियों से ऊपर उठने के लिए अपने को ईश्वर अंश मानना ही पड़ेगा। जब तक कोई, अब आपके पास एक कपड़ा है, आपको पता ही नहीं है ये कपड़ा सफेद है, दाग रहत है, तो आप उसको कहाँ तक धोओगे? जब पता होता है इसमें दाग पहले नहीं था, तो उसको रगड़ते वहां तक वो जहां तक दाग चला जाए। पहले अपने निर्वल स्वरूप का पता भी तो हो, मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, मैं आत्मा हूं, निश्चय भी तो हो, तो देह अध्यास भी तो तभी कटेगा ना। अब गलतियां तो हमने देख ली, गलती दूर कैसे हुए? आत्मा मानने के सिवाय गलती दूर ही नहीं होगी। आपको ये तो पता चल गया, दूसरा देखना मेरी गलती है, पर दूसरा कब जी, नहीं देखोगे? जब भगवान जब देखोगे। भगवान जी पर भगवान कब देखोगे? जब अपने को जानते हो, जो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब तक तुम सन ऑफ गॉड नहीं है, सामने वाला सन ऑफ गॉड कैसे होगा? सोचने वाली बात है। इसीलिए जी निश्चय से इन सारी भूलों का खात्मा होगा। निश्चय की जरूरत है। भूलें देखने की मना नहीं है, लेकिन अभूल आत्मा का ध्यान नहीं करोगे जब तक, भूलें तो होती रहेंगी। भूलों का ध्यान करके भी क्या करें? भूल को जान के उसके अधीन नहीं होंगे, पर दोबारा भूलें ना हो, संकल्प ना उठें, उसके लिए तो हमें अपने पवित्र स्वरूप में जागना होगा ना, निश्चय जी में आना होगा। अभी आज आपको पता चला, मैं पत्नी बनी तो ऐसा हुआ, माँ बनी तो ऐसा हुआ। अब माँ कब ना बनो? जब ब्रह्म है तो माँ नहीं है, ब्रह्म है तो पत्नी नहीं है। अब पत्नी बन के जितनी मर्जी अच्छी बनती जाओ, गलतियां तो फिर भी होती रहेंगी। जी अब समझ में आई बात? हाँ, चलिए ठीक है विभाजी। थैंक यू भैया, थैंक यू ओके, भैया, हरिओम हरिओम। मनोज हरिओम। चांदना जी, हरिओम भैया जी, कैसे हरिओम। हो भैया? हाँ बढ़िया, आज घर में ही बैठे हो क्या? जी, अभी जाऊंगा मीटिंग के बाद। अच्छा, हाँ।
पापा ठीक हैं? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ घर आ गए? जी, होली वाले दिन छुट्टी हो गई थी। अच्छा। भाई जैसे आप अभी बता भी रहे थे ना कि गुरु की वाणी से ही निश्चय होता है, पावर भी वहीं से मिलती है, हिम्मत भी वहीं से आती है। सही में हम बीच बीच में निश्चय भूल जाते हैं, पर जैसे ही सत्संग का रूटीन बना रहता है ना, मतलब गुरु की वाणी से निश्चय मिलता रहता है, बार बार अपनी वो याद आती रहती है। अभी जैसे सिचुएशन आई, ये हुआ ना, तो पहले ना मतलब जैसे गुरुद्वारे वगैरह में जाता था ना मैं पहले, तो सब लोग कहते थे कि वहां पर बाघ निकलता है ना, वो पूरा दिन उसको साथ रखो ना तो बहुत हिम्मत मिलती, पर उस टाइम नहीं आता था समझ में, कुछ पता भी नहीं होता था, वहां पे समझ भी नहीं आता था पंजाबी में जैसे चलता था, पर सुना बहुत था। और हमारे में तो आज तक सबके नाम भी वहीं से रखे गए, पहला अक्षर जो निकल जाता था उसी पे नाम रख लेते थे, पर वो चीजें अनुभव में नहीं आती थी, पर आज यहाँ बैठ के ना बहुत अनुभव में आती है कि मतलब गुरु की वाणी कितना साथ देती है, कितना हिम्मत देती है। वो दिन जब सिचुएशन आई ना, शाम हुई भी थी और सुबह मैंने जब सत्संग सुना था ना, सत्संग में एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था कि गुरु को समर्पण करके चलो, भगवान को समर्पण करके चलो ना, तो सब रास्ते अपना, सही रास्ते अपने अपने खुलते जा रहे थे। और वो पूरा शाम तक ना मेरे साथ था वचन, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था, पूरा दिन साथ चलता। और 7 बजे जब रितिका का फोन आया ना मेरे पास, मैं मार्केट में था, तो उसका फोन आया कि पापा फटाफट घर आ जाओ, दादू की तबीयत वो हो रही है, दादू से बोला नहीं जाता, तो मुझे तो कुछ वो नहीं हुआ। पर मैंने उस टाइम में ना, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी उस दिन, मेरे पास स्कूटी थी, मैं स्कूटी से मार्केट से चला, तो रास्ते में ही गाड़ी भी मिल गई, तो सत्संगी भाई था वो गाड़ी पे मिल गया, मैंने उसे बोला, मैंने कहा गाड़ी लेके ना घर आ जाओ एक बार, तो हॉस्पिटल तक चलना, मतलब सारे मैं देख रहा था कि सारे रास्ते खुलते गए। फिर मैंने फोन मारा दूसरे सत्संगी भाई को, उसने कहा कि उस हॉस्पिटल में ले जाओ, वहां पर सारी अरेंजमेंट कर दी, डॉक्टर पहले से तैयार बैठा था, सारी चीजें हो गई। वहां जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि इंजेक्शन वाली बात हुई कि 4 घंटे के अंदर अंदर इंजेक्शन लगना। फिर मैं थोड़ा सा जैसे ही मत आने लगता, मैंने आपको फोन किया, आपसे बात करी, आपने उस टाइम मुझे एक ही वचन बोला, ऑल इज वेल। मुझे वो इतना पावर दे के गया ना, मतलब हिम्मत उससे इतनी मिली। फिर डॉक्टर ने बोला कि 4 घंटे के अंदर अंदर वो इंजेक्शन लगना, और जब वो इंजेक्शन का वो होता ना, मतलब कई बार यस नो हुई, कभी कोई यस करवा देता था, कभी कोई नो करवा देता था, जो भी आता था। पर मैं देख रहा था कि मेरा ना चल नहीं रहा था अंदर से, कि मैं तो भगवान की लीला देख रहा था कि मतलब जो कुछ हो रहा है ना, डॉक्टर भी उसके इशारे से नाच रहा था। भैया जी, डॉक्टर ने मुझे बोला कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, ये लगाना पड़ेगा। वो मुझे साइन कराने के लिए बुलाया कि इस पे साइन कर दो, मैं साइन करने के लिए गया, किसी का फोन आ गया, 1 मिनट रुक जा, मैं किसी डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ, जब तक रुक जा 5-10 मिनट। वो कहते हैं तो मैं आ भी जाता हूँ, वो आ भी गए, उन्होंने दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट भी किया, आके फिर मुझे कहते हैं नहीं, इसके अलावा कुछ हमारे पास है भी नहीं, ये करना पड़ेगा, आप साइन कर दो। मैंने साइन कर दिए, डॉक्टर कहता है जाके नीचे मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन ले आओ। मैं नीचे मेडिकल स्टोर पे इंजेक्शन लेने गया, तो थोड़ी देर बाद वहीं पे फोन आ गया डॉक्टर का कि आप वापिस आ जाओ, इंजेक्शन नहीं लगेगा। मैं वापस आया, मैंने कहा क्या हुआ, कहते हैं इनका ना बीपी डाउन नहीं जा रहा, और जब तक बीपी डाउन नहीं जाएगा ना तो इंजेक्शन लगेगा नहीं। मैंने कहा चलो भगवान को यही मर्जी, जो होगा वही चीज होगा, पर मेरा वो नहीं रहता, मैं भगवान की मर्जी को एक्सेप्ट करके बैठा था कि जैसी चीज है ना। तो और डॉक्टर आज कहता है कि बढ़िया हुआ उस दिन इंजेक्शन लगा दिया, इनका बीपी डाउन नहीं गया, अगर हम इंजेक्शन लगा देते तो बहुत बड़ी सिचुएशन आ सकती थी उसमें, मतलब आज पता चल रहा है कि बीपी अप रहना भी भलाई थी, डाउन नहीं गया, क्योंकि डॉक्टर कहता है कि बहुत बढ़िया हुआ आज जो सुधरे, सुधार हुआ है ना, अगर वो इंजेक्शन लग जाता तो हालत बहुत बिगड़ सकती थी। तो बहुत वो हो रहा था कि मतलब जो ये पावर मिलती है ना, मैं ना जब 5 साल पहले आपके पास आया था ना, मैंने एक दृष्टांत सुना था आपके पास, तो राजा के पास गुलाम होता है ना, वो उसको राजा फल खा रहा होता है, तो उसका फल कड़वा निकल आता है, वो गुलाम को दे देता है, गुलाम उसे बहुत खुशी खुशी खा लेता है, तो गुलाम को कहता है कि ये कड़वा नहीं लगा तुझे, कहता है रोज मीठे मीठे फल देते हो, आज कड़वा दिया तो क्या हुआ, ये भी तो तुम्हारे हाथों से है। 5 साल से वो मेरे साथ है ना, ये दृष्टांत रोज चलता है, कभी ऐसा नहीं होता हुआ कि दृष्टांत मुझे ना अंदर से आता हो, इतना इससे पावर मिलती है ना मुझे, इतना वो हिम्मत मिलती है ना, तो बहुत शुक्राना निकलता है कि ये रोज का जो सत्संग मिल रहा है ना, इतनी पावर मिलती है ना इससे, इतना कुछ मिलता है, तो सही में भैया जी कहीं से भी इतनी हिम्मत नहीं मिल सकती।
सही में आपका एक एक वचन इतनी पावर दे के जाता है, इतना कुछ दे के जाता है ना, बहुत हिम्मत। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जिन परिस्थितियों में जो भी अनुभव होता है, वो अनुभव इतना दृढ़ हो जाए कि आगे कोई परिस्थिति आए फिर विकल्पों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये वाली है कि भले ही हालतें, तो देखो जब तक शरीर है हालतें तो रहेंगी, इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकेंगे, लेकिन हर परिस्थिति के बाद जो एक अनुभव खुलता है, वो अनुभव इतना दृढ़ता की तरफ जाना चाहिए कि आगे संकल्प विकल्प का शोर ना उठे मन में। आज मुझे कहना पड़ा ऑल इज वेल, लेकिन ये वचन आपके भीतर से आना चाहिए, ऑल इज वेल, ये ठीक है, ये भी मेरी मर्जी है, इट्स माई विल बींग डन। भगवान की मर्जी समझो, अपनी मर्जी समझो, लेकिन उसको सही सही करके आप देखते चलो। हर बार ये नहीं होना चाहिए कि परिस्थिति आती है, हम अनुभव कर लेते हैं, फिर सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है, हम खुश हो लेते हैं, फिर हम कहते हैं हमें ज्ञान पता है, लेकिन अब चलो सब कुछ ठीक हो गया। इसमें तो एक यही सबक सीखो कि जो भी अनुभव खुला अभी, ये दृढ़ होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा विचार भी करो कि अगर परिस्थिति कुछ विपरीत हो जाती तो भी आप इतना उमंग से भरे हुए अनुभव सुनाते, तो भी आप इतने जोश में होते, या हमको आपके शहर तक आके आपको शांत करना पड़ता, या आप फोन करके ऐसे ही बताते ऑल इज वेल, ये भी हुक्म आपका था, ठीक है मुझे मंजूर है। अब इस तरफ भी थोड़ी सी बात पे ध्यान दो, क्योंकि हर बार ये तो हो जाता है कि परिस्थिति ठीक हो गई, हालत ठीक हो गई, पॉजिटिव हो गया, फिर हमने अनुभव बना लिया, पर इसके विपरीत तरफ भी सोच के देखो, क्या अगर विपरीत कुछ हो जाता था, क्या तब भी हम राजी होते थे, तब भी हम रिलैक्स होते थे, तो भी हम परमात्मा के ऐसी गुणगान करते थे। स्वामी राम तीर्थ का मिसाल कई बार चल रहा है इन दिनों में, जब सम्मान मिला घर आके पूछा राम क्या हाल है, अपमान मिला तो भी घर आके पूछा, लेकिन अगर मान वाले दिन घर आके नहीं पूछते थे अपने से, तो अपमान के लिए तैयार ना हो पाते। अभी सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अभी भी इशारा तो किसी को नहीं पता क्या है। होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो भी इतना ही चेहरे पर शांति रहे, फेस पे स्माइल रहे, तब भी हम कहें ऑल इज वेल और थैंकफुल रहें, ये इम्पॉर्टेंट चीज है जिस पे ध्यान देना है ज्ञान के बाद। ठीक हाँ जी है। भैया, जैसे है ना, सेकेंड डे था तो मैं हॉस्पिटल में ही बैठा था। तो वो दिन आपकी जूम मीटिंग थी, जूम मीटिंग में सुन रहा था। तो जब मैंने ऑन किया ना, तो आपकी ना किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने आपको बोला कि नहीं, आप हवाले, आप संभाले, जरूर संभाले। तो आपने उनको बोला था आप संभाले या ना संभाले। वो मुझे इतना वो हुआ था उस दिन कि अच्छा लग रहा था कि मतलब देखो, भगवान हमें ना सारी तरह से वो करना चाहते हैं कि मतलब कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन कैसे भी आ सकती है, हर चीज के लिए प्यार है मुझे। वो दिन सच भी बड़ी बात। से पावर मिली थी। अभी भी अंदर से स्ट्रांग रहो, रेडी रहो, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ओके, हरिओम। थैंक यू भाई। अनिल कुमार कालरा जी, हैदराबाद कहाँ है? अनम्यूट करिए। जी भैया, हरिओम भैया, हाँ, हरिओम। बहुत बहुत शुक्राना भैया। वाकई इस टाइम हैदराबाद में हूँ भैया, और वाकई में आपके जो वचनों का साथ मिला है, बहुत शांति, बहुत सुन है। लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी बेटे के साथ, थोड़ी सी उसको जरूरत थी टाइम की, तो कुछ परिस्थितियां उसके साथ रही थी पीछे। और पढ़ाई कर रहा था सीएस की, तो कुछ
कुछ दिक्कत, उसके बाद दो तीन साल पाई करने उसके बैक बोन में दिक्कत आ गई, स्पाइन में ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। अच्छा। तो बेड पे रहा था। तो उसके बाद उसने हिम्मत करके कुछ अपना किया, फिर स्टडीज की हायर उसी कंडीशन में, और एमबीए करने के बाद जॉब लगी थी उसकी, लेकिन वो जो टाइम गैप आ गया था 5-6 साल का बीच में, उस वजह से उसको लग रहा था जॉब में कि दिक्कत आ रही है, अब लैग कर रहा था वो। तो उसने हेल्प मांगी कि पापा मुझे, मेरे बड़े बेटे ने भी भैया ऐसे काम कर रहा था, वो भी छोड़ जॉब से, कोरोना के बाद दोनों को दिक्कत आ रही थी, उसको भी 15-16-17 घंटे की ड्यूटी थी, तो उसने रिजाइन कर दिया और ये भी कह रहा था मैं रिजाइन करके घर आ रहा हूँ वापस। तो मैंने कहा बेटा मैं इस पोजिशन में अभी नहीं हूँ। घर में फिर डिस्कशन हुआ तो यही हुआ कि एक बेटे को सपोर्ट किया जाए, और हैदराबाद में जो जिस एरिया में मैं हूँ वो रूरल एरिया थोड़ा सा पीछे है, और फैसिलिटीज वहाँ नहीं है, तो उसको दिक्कत यही आ रही थी कि डेली नीड्स के साथ जॉब नहीं कर पा रहा था। तो उसने टाइम की मदद मांगी, तो ये डिसाइड हुआ कि मैं जाके थोड़ा सा उसको सपोर्ट करूँ ताकि घर में बैलेंस बना रहे जी। तो अब मन तो बहुत मेरा अपने तो शांत था, लेकिन ये बीच में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी, जो आपने अभी बात की, अभी चांदना साहब से भी आप बात कर रहे थे कि हम लोग दो फेवरेबल पोजिशन में तो भैया सपोर्ट कर एग्री हो जाते हैं, लेकिन जो अगेंस्ट होती है उसमें थोड़ा सा हिल जाते हैं, तो मन कभी कभी थोड़ा सा दिखा रहे हैं। सत्संग आपके साथ है, गुरु के वचन आपके साथ हैं, रोज का सत्संग मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, टेक्नोलॉजी भगवान ने इतनी अच्छी कर दी है, जहाँ भी बैठे हो रोज की डोज मिल जाती है। बस रोज रोज अपने को ज्ञान से पक्का करते चलें, ये सब तो चलता रहेगा दुनिया में। आपके सामने चल रहा है, आपके पीछे भी चलेगा जी। संसार में सब चलना ही है, लेट इट बी सो। और फ्लो अपने आप को चलने दो, जो भगवान की मर्जी, जो हुक्म, जैसा भी आ रहा है सामने वही अच्छा है। वैसे भी ये सब सबके किरदार फिक्स हैं, आप ना जानने वाले ना आप करने वाले, ये सबके किरदार फिक्स हैं। भगवान ने जिसको जिस योग्य समझा है, जहाँ जहाँ जिसको जहाँ बिठाना, जहाँ पहुँचाना, वैसा वैसा सब हो रहा है। हम सिर्फ बैठ के खेल को खेल करके देखें, जैसे आप लोग चेस खेलते हो, तो सारे तो चाहे वो राजा है, चाहे वो रानी है, चाहे वो वजीर है, चाहे वो प्यादे हैं, सारे ही तो आपके हाथ में है। जिसको जहाँ चलाना चाहते हो चलता है, जिससे कटवाना चाहते हो कटता है, यही सब तो है ना। ये जो संसार है, भगवान ने भी शतरंज की बिसात बिछाई है, ये बस वो खेल रहा है, देखते चलो। सबके किरदार फिक्स हैं, हर कोई अपना अपना पार्ट कर रहा है, इस ड्रामा को ड्रामा करके देखते चलो। इसको सच मानने की गलती करेंगे तो परेशान होएंगे, लेकिन बस देखते चलो, ड्रामा है, ड्रामा करके ही देखते चलो। लेट अस सी नेक्स्ट क्या होगा, लेट अस सी, हम देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्या हुक्म है भगवान का। बैठ के सब तमाशा देखो, तमाशा तुझ में होता है, तमाशे में क्यों रोता है, तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा देखने वाले। सत्संग का नियम, निश्चय ज्ञान का, यही सर्व दुखों की निवृत्ति कर सकता है, वरना इंसान किसी हालत में सुखी नहीं रहता। एक हालत होगी फिर उसमें सुखी नहीं है, फिर उसको बदली करेगा, फिर उसमें दुख ढूंढ लेगा, फिर तीसरी हालत में दुख ढूंढ लेगा। असल में तो दुख ढूंढने की बीमारी है, इंसान को बीमारी है, वो दुख ढूंढता ही रहता है, किसी सिचुएशन में सेटिस्फाइड नहीं होता है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, यही रोना है सबका। एक शादी के लिए दो रिश्ते बता दो ना, घर वो वाला चाहिए, लड़का वो वाला चाहिए। अब उनको बोलें भाई उसको अडॉप्ट करें तो तेरी शादी करें, अजीब बीमारी। सबके बीच रह के भी इंसान खुश नहीं है, अच्छा अकेला रहो वहां भी खुश नहीं है, मैं चाहता क्या, शायद उसको खुद ही नहीं पता क्या चाहता है। इंसान एक तरफ होता ही नहीं है। ये रोज का सत्संग निश्चयात्मक बुद्धि करता है,
हम डिटरमिन हो पाते हैं, कोई फैसला ले पाते हैं, कोई ताकत आ पाती है हमारे अंदर, नहीं तो सब ऐसे दुनिया में कमजोर पड़े हुए हैं बिना मतलब, कोई मन से कमजोर, कोई हालतों के आगे कमजोर, कोई संबंधियों के आगे कमजोर। अब भाई हर चीज में कोई ना कोई ड्रॉबैक तो होगा, जरूरी तो नहीं है कि सारी सिचुएशंस फेवरेबल होंगी, कहीं कुछ फेवरेबल है, कहीं कुछ नॉन फेवरेबल भी है। लेट अस एक्सेप्ट, सो व्हाट जी भैया, है ना, हिम्मत रखिए, मौज में रहिए, सत्संग सुनिए, आनंद करिए। बिल्कुल, मुस्कुराना भैया आपने सिखाया है, और ये बकार है जो आप निश्चय चाहते हैं, जो आप चाहते हैं घड़त और गुण। बिल्कुल भैया, कोशिश ये कि मन ना चले, शांति सिचुएशन में रहूं, अपने को बनाता रहूं, मुस्कुराना और शुक्राना गुरु ने सिखा दिया। ये आपने चुना है और आपने सिखाया भैया, बिल्कुल। आज हालत देख रहा हूँ जो पहले थी 2 साल पहले, और आज जमीन आसमान का अंतर, आपने चुना, आपने हर चीज का एहसास कराया कि वो दो वहां भगवान के थे, और मैं उस चीज को रियलाइज करता हूँ। सबसे पहली बात, आपने जो कच्चे बोल से दो दृष्टांत मेरी जिंदगी में आया था शुरू में, एक तो ये आपने सुनाया था कि हम वो लट्ठा पे हमने चुना, वो आपने धागे से बांध के हमें निकाल दिया, और दूसरा ये, और मन मोड़ना जो आपने सिखा दिया ना आज, वो मुस्कुराना उस वजह से है भैया, नहीं तो वाकई में ये पॉसिबल ही नहीं था। जितनी भी आप दे रहे हैं ज्ञान, जितनी भी आप अज्ञान हमारा मिटता जा रहा है, आज जो फील कर रहा हूँ अंदर से, इतने शुक्राने हैं भैया, मैं कह नहीं सकता कि अनंत लाख बार करना शुक्राना, वो भी थोड़ा है, गिनती में वो भी नहीं आना चाहिए, अनंत मिल रहा है तो अनंत शुक्राने भी होने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है अनिल जी, हरिओम। बहुत शुक्राने भैया, हरिओम भैया, थैंक यू, हरिओम। भजन करें, समय हो गया, एक इससे बात कर लूं। आशिमा अनम्यूट करो, दिख रही है सामने। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम भैया जी, आज शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ आज शिफ्ट कर रहे हैं भैया जी। अच्छा ठीक है, आप देख लीजिएगा, संभाल लीजिएगा सब। मुझे ये बताओ, संभला हुआ है या संभालना है? अभी तुझे होमवर्क देना है मुझे। निश्चय की बात क्यों नहीं करते, विश्वास की बात क्यों नहीं करते? भगवान जगन्नाथपुरी में कहते हैं जब ज्यादा सर्दी पड़ती है, भगवान शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे घर में, फिर वापिस आ जाते हैं अपने घर में। तो तुम्हें ये इतने सारे विचार क्यों हैं? तुम जहाँ भी रहो भगवान का घर है, आज भी तुम जहाँ रहती हो भगवान का घर है, अभी जहाँ जा रही हो सो भी भगवान का घर है, भगवान के सिवाय कुछ है क्या? ये जब मानोगी वो मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा, तभी तो सारा झगड़ा है। तुम जहाँ भी हो भगवान के घर में हो, तुम जहाँ भी हो भगवान का बच्चा हो, यू आर सन ऑफ गॉड। जई विधि राखे राम तई विधि रहिए, जहाँ तुम्हारा किरदार होगा भगवान तुम्हें उठा के वहाँ रख देगा, जब वहाँ पार्ट प्ले पूरा हो जाएगा वहाँ से भी उठा लेगा, ये उस मालिक की मर्जी है, कौन सवाल करेगा? हमें तो खुद नहीं पता होता, अभी हम इधर बैठे हैं, हमें नहीं पता शाम को किसको आवश्यकता पड़ जाएगी, भगवान उठा ले जाता है, मालूम होता है क्या? ठीक है, अब जब जीवन ही भगवान के अर्पण कर दी है, तो जहाँ उसकी मंजूरी, जैसी मंजूरी वैसा मुझे भी मंजूर है, मुझे कुछ सोचने की आवश्यकता क्या है? नाचने की जरूरत है, न रोने की जरूरत है, सम होके रहो, शांत होके रहो, इट्स ओके। यहाँ पार्ट था, यहाँ प्ले कर लिया, अभी जहाँ होगा वहाँ चली जाओगी। पहले मायके में थी, वहाँ पार्ट था प्ले कर दिया, फिर ससुराल में आ गई, यहाँ पार्ट प्ले हो गया, फिर अब जहाँ जाओगी वहाँ पार्ट प्ले करना है। पर मेन नेम तो कुछ और है, मेन नेम तो एक ही है कि अपनी झूठी हस्ती मिटा के अपने ज्योत स्वरूप में लीन हो जाओ। ये तो सब समय की मांग है, ईश्वर का हुक्म है, ईश्वर की बाजी है, जिस पुतले को जहाँ रखेगा वो उधर ही चलेगा, तू पुतला है नहीं। निश्चय की बात करो, ज्ञान की बात करो, बात ही खत्म। जो जहाँ उठा के ले जा रहा है वहाँ उसने संभाला हुआ है पहले से, तभी तो ले जा रहा है, कुछ अच्छा देखा होगा तभी ले जा रहा है, कुछ सिखाना होगा तभी ले जा रहा है, संभला संभला है। तुम ही लोग संभालने में लगे हुए हो,
उसकी तरफ से सब संभला संभलाया है, इट्स ऑलरेडी बीइंग डन, सिर्फ देखने में आता है ये वजह बनना वो, कोई वजह नहीं है, इट्स ऑलरेडी बीइंग डन, ये हुआ पड़ा है पहले से, भगवान का हुक्म है, भगवान की मर्जी है, भगवान को कराना था ऐसा, सो करा रहा है। बात खत्म, आराम से बैठो, जहां आवश्यकता होगी भगवान बिठा देगा। गुरुजी बोलते थे तुम अपनी कुछ मत सोचा करो, जहां तुम्हारी जरूरत होगी भगवान तुम्हें उठा ले जाएगा। ठीक है, ले जाओ भाई, जहां ले जाना है बिठा दो, जहां बैठाना है। जब समर्पित हो तो मौज में, मौज पई अच्छे सज्जन, मौज पई अच्छे, जिए हलाई तिए वाहवा, तिंजे हथ में डोरी आए, पानी ठाई पानी ड्राई, तिंजे हथ में डोरी आए, जिए घुमाई तिए वाहवा। तुम देखो शांत होके ना, सीन देखो, पिक्चर एंजॉय करो, तुम चल नहीं रहे हो तुम्हें चलाया जा रहा है, तुम घूम नहीं रहे हो घुमाया जा रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो करवाया जा रहा है। ठीक है, करवाने वाले को पसंद है तो मैं भी रजा में राजी हूं। इतनी आसक्ति क्यों फैलाई है संसार में, जो जहां से उठते हो वहां से ही दुखी होना पड़ता है, रोना पड़ता है, रोने की बात क्या है, ये भी भगवान का घर है, वो भी भगवान का घर है, बैठो आराम से, जहां रखेगा, पहले तेरा एक घर था अब तेरे दो घर हो गए, जहां मर्जी रहना, पति से नाराज हो जाए तो सास के पास आके रह जाइयो, सास से लड़ाई हो जाए पति के घर चली जाइयो, मायके वालों को नहीं देखना पड़ेगा, फायदा हो गया। अब हंस रही है इतनी जोर से, अभी तो जरूरत थी भैया जी आपसे बात करने की, बहुत जरूरत हो रही थी, और आज आपने मुझे बहुत बहुत कुछ दे दिया आज, बहुत अभी इस टाइम पे बहुत जरूरत थी आपकी, बहुत ज्यादा। घर सेट करके अपना सत्संग का नियम शुरू कर बस, बिल्कुल भैया जी, भगवान तेरे को इतनी पास ले आया तो अब मेरे को सत्संग में दिखनी चाहिए रोज। बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका वेट करूंगी भैया जी वहाँ पर भी। हाँ, मम्मी को देखा कैसे स्माइल कर रही है, ये ज्ञानवान पुरुष की निशानी। हाँ सही बात है, मुझे पावर वहाँ से भी बहुत पावर मिला हुआ है भैया जी, बहुत पावर मिला हुआ है भैया। पावर तो आप देते हो भैया, पावर अपनी नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है आपको देख के, वेरी गुड भैया आपका वचन। स्टेशन मास्टर की तरह जिसको ट्रेन पार्क करनी है कर दो, जिसने चलानी है ले जाओ, भैया आपका वचन है ना, गो विद द फ्लो। हाँ, वो इतना है, गो विद द फ्लो, गुड, वो तो दस्त निश्चल है, अविद्या के हैं सब कर्तव्य, होती रहे लीला, हुकुम आगे रखते भैया निकलते जा रहे हैं, हुकुम आगे बस, हलवा बना के खा मजे से, एंजॉय, थैंक यू, ओके, हरिओम हरिओम। क्या कह रही है, पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि वैसे अगर हम पॉजिटिव हैं अच्छी सिचुएशंस में, बट अगर कभी अपोजिट सिचुएशन भी आती है तब भी अगर हम पॉजिटिव रहें तो वो जो फ्लो होता है वो बहुत, मतलब उसको अपोजिट वर्ड ही नहीं यूज करना पड़ेगा। हाँ, अपोजिट मतलब कोई भी परिस्थिति में हमें पॉजिटिव, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अपोजिट सोचोगी तो फिर तो डाउन जाओगी जाओगी, अपोजिट तो कुछ है ही नहीं, अपोजिशन जैसा कुछ नहीं है, प्रसाद है भगवान का, एंजॉय करो। प्रसाद की थाली लाके दी, वो कहीं गए होंगे मंदिर वंदिर कृष्ण जी के, प्रसाद ले आए, इतना सारा प्रसाद था इतनी तरह का, उसमें बूंदी भी थी, दही भल्ले भी थे, मीठे गुलगुले भी थे, रबड़ी भी थी, हम देख रहे इसमें उतना ही मीठा है, उतना ही नमक है, उतनी मिर्च है, भगवान को ऐसे भोग लगता है ना, भरपूर थाली का तेरे जीवन में, अब सारे, अब भगवान अकेला खा नहीं सकता, सारे प्रसाद देगा ना, कभी मिर्च कभी मीठा, सब प्रसाद है, बी हैप्पी बी पॉजिटिव, ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू, हरिओम हरिओम, भजन। दुनिया के बातों में कभी तुम समय न खोना, दुनिया के बातों में कभी तुम समय न खोना, अनमोल जीवन न जाए बेकार,
सच को पाकर तुम अपना जीवन बदलना। दुनिया की बातों में कभी तुम समय न खोना। अपने की इकरार हमें करने हैं पूरे, ऐसा ना हो राह में हम रह जाए अधूरे। अपने की दुनिया
खोना। आज की मीटिंग को यहीं विराम देंगे। थैंक यू सबका।